पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। अरे राम भैया, दवा की एक ही खुराक रह गई है, इसे पी लो जी अच्छा रहेगा। बहन, अब वो समय आ गया है जब दवा नहीं बल्कि दुआ की जरूरत होती है। राम नाम लो। रतन कहाँ है? तुम्हारे पास ही हूँ बाबा। बहन, राजन, रमेश और बिल्लू को भी मेरे पास ले आओ। अभी लाई भैया। रतन, मेरे बेटे, इधर आओ, बैठो। पापा, घबराओ नहीं, दुनिया में चल चलाओ तो लगा ही रहता है। मैं कह रहा था मैं तुम्हारे लिए दौलत नहीं बल्कि जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं। मेरे बेटे, मेरे बाद ये तुम्हारे भाई ही नहीं तुम्हारे बेटे। मुझे वचन दो कि तुम अपनी जान पर खेलकर भी इनकी देखभाल करोगे। ये तो मेरा फर्ज है बाबा, फर्ज के लिए वचन की क्या जरूरत। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, तुम्हारा ये घर मोतीलाल वकील के पास 1000 में गिर गया, जिस तरह भी बन पड़े इस घर को छुड़ा ले। जरूर बाबा जरूर, मैं तुम्हारी इस निशानी को मिटने नहीं दूंगा। भैया, बच्चे आ गए। बहन, जरा रामायण की वो चौपाई तो पढ़ो जो रोज मैं तुमसे सुनता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर जल जाय। रतन, मैं न जानता था कि तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी चल बसेंगे। बहुत नेक आदमी थे वो। चाचा जी, बाबा तो चले गए लेकिन हम कहाँ जाएंगे? फिक्र न करो बेटा, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। चाचा जी, आपके एहसान तो पहले ही बहुत है। हमारा गांव वाला घर आपके पास गिरवी है, भगवान ने जब कभी मुझे ताकत दी आपका 1000 रुपये जरूर चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे पिताजी को रुपया उधार नहीं दिया था, एक दोस्त समझकर उनकी मदद की थी। मैं वो प्रोनोट अभी फाड़ देता। नहीं चाचा जी, पिताजी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जब कभी मैं अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊं। रतन, तुम चाहो तो मैं बैंगलोर में ही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त कर दूं। मेरा बेटा जीवन और मेरी बेटी तारा भी स्कूल जाते हैं,
उनके साथ तुम भी चले जाया करना। नहीं चाचा जी, मैं और नहीं पढ़ना चाहता। अगर मैं स्कूल चला गया तो छोटे भाइयों की देखभाल कौन करेगा? मैं छोटा मोटा व्यापार करना चाहता हूँ। बेटा, व्यापार के लिए तो सरमाए की जरूरत होती है। जी, बाबा की क्रियाक्रम के बाद 25 रुपए बचे हैं, वो मैंने संभाल के रखे। इस छोटी सी उम्र में तुम बुजुर्ग हो गए हो। खैर, फिक्र न करो, तुम आज ही मैसूर चले जाओ। एक कपड़े का व्यापारी मेरा दोस्त है वहां, मैं उसके नाम चिट्ठी देता हूँ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम तो मोतीलाल वकील की चिट्ठी लेकर आए। मियाँ, चिट्ठी तो चिट्ठी, हम उनके इशारे पर 1,00,000 रुपए का उधार देते हैं। हाँ, कुछ पियोगे भाई? जी, मुझे प्यास नहीं। अच्छा, तो कितना कपड़ा चाहिए तुम? जितना आप मुनासिब समझे। अरे गफूर, देखो ये जितना कपड़ा उठा सके इनको दे दो। और सुनो बरखुदा, ये तुम्हारी अपनी दुकान है, बेरोक टोक चले आया करो। भगवान आपका व्यापार और भी बढ़ाए। अरे भाई, ये सब कुछ तो अल्लाह की देन है, हम तो उसकी देन के मुहाफिज हैं। यहाँ रख दो। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रोज का रोज आकर हिसाब चुका जाया करूंगा। खुदा तुम्हें कामयाब करे। अच्छा, नमस्ते, खुदा हाफिज। सस्ते अच्छे और मजबूत कपड़े, सस्ते अच्छे और मजबूत कपड़े। कपड़ा चाहिए है? गोरी लट्ठा मलमल नए डिजाइन की जीते। अरे रहने दो बेटा, कभी दो घड़ी तो आराम कर लिया करो। अरे कैसी बातें करती हो पूफी, जवान लड़का हूँ जवान। चल कमाल सस्ते में, चलो इधर बोली लगाओ। 1 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया। कपड़ा तो 6 रुपए का था। माँ, ओ माँ, तू कुछ भूल गई, ये बाकी के 4 रुपए भी तो लेते जा। ईश्वर तेरा भला करे बेटा, वरना आजकल के दुकानदार तो पैसा लेकर भी मुकर जाए। इंगस, दिवाली की तैयारियां हैं, अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कह देना, समझे? अब बुखार बुखार तो नहीं आता ना उनको? जाते हो दुकान हो गए तो फिर लगा के पढ़ा करो। नमस्ते रतन बाबू। नमस्ते मुंशीराम जी, नमस्ते। कहो क्या बात है जी? नए माल का ऑर्डर भेजना है, हैंडलूम की साड़ियाँ बिल्कुल खत्म हो गई। सब बिक गई? अभी तो पिछले हफ्ते 15,000 का माल मंगवाया था। जी, भगवान की दया से 20,000 रुपए के पेशगी ऑर्डर और भी आ चुके हैं। एक बार जो कोई भी इस दुकान से चीज ले जाता है, फिर कभी दूसरी दुकान पर जाने का नाम नहीं लेता। मुंशीराम, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, दुकान की ये तरक्की तुम जैसे मेहनती और ईमानदार आदमियों की वजह से। रतन बाबू, आप जैसे नेक मालिक के साथ कौन मुलाजिम बुराई कर सकता है। ये लीजिए, ये रहा ड्राफ्ट, दस्तखत कर दीजिए, मैं आज ही ऑर्डर के साथ भेज देता हूं। ये। अच्छा, नमस्ते। पिताजी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, दुकान खूब जोरों से चल रही है, आपके लगाए हुए बेल बूटे बढ़ते बढ़ते घने पेड़ बन चुके हैं, रमेश वकालत की तैयारियां कर रहा है, राजन कुछ ही दिनों में डॉक्टर बन जाएगा, मिलू भी सेना हो चुका है, अब मैं भी अब बाप बन चुका हूं, लेकिन एक बेमां के बेटे का। आपकी बहू भगवान को प्यारी हो चुकी है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको दिए हुए वचन को हमेशा निभा सकूं। वकील भैया, तुम ही कोशिश कर देखो, मुझसे तो रतनलाल मानने वाला नहीं। उसे आ लेने दो बहन, मेरा ख्याल है कि मैं उसे समझा बुझा दूंगा। नमस्ते चाचा जी। अरे तुम आगे, ये क्या कर रहे हो? कब आए आप? दोपहर की गाड़ी से। बैठो बेटा,
कहो कैसे हो? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। रतन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी हुक्म फरमाइए। मैं तुम्हारे लिए शादी का पैगाम लेकर आया हूं। मेरी शादी? हाँ। चाचा जी, मुझे तो अब रमेश और राजन की शादी का फिक्र करना चाहिए। अपने बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं। ये तुम्हारी कुंबा परवरी है बेटा, मगर मैंने भी कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया है। चाचा जी, मैं आपके सामने जबान नहीं हिला सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुशीला के गुजरने के एक बरस बाद ही दूसरी शादी कर लेना। सच है रतन, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के बिना पर कुछ कह रहा हूं। जीवन बहुत छोटा था जब उसकी मां चल बसी। जैसे भी हुआ, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और अब तुम जीवन को जानते ही हो कि वो क्या है। बच्चों की परवरिश मां ही कर सकती है रतन, अपने लिए नहीं। इस नन्ही सी जान के लिए तुम शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक गरीब लेकिन खानदानी घर की सुशील लड़की देख रखी है। सोच लो बेटा, वकील भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। चाचा जी, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन अपने दिमाग से मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता। बहू घर में कदम रख रही है, इस वक्त विधवा लड़की का सामने जाना मुनासिब नहीं। बुरा न मान बेटी। देख लिया बहन, इस गरीब लड़की की इज्जत उतार ली। बहन, आदमी नहीं बोलता, सब पैसा बोलता है। कपड़े की फेरी करने वालों को भगवान ने सेठ बना दिया है। और बहू भी क्या है, बैंगन को हाथ पांव लगा के सजाया हुआ है। और क्या, रंडुओं को मेरे जैसी पद्मिनी मिल जाती, आधा सर सफेद हो रहा है रतनलाल का। हमारी दुकान से रोज खिजाब की शीशी खरीदता है। पहली पत्नी का। मैं जानती हूँ, कितना प्यारा बच्चा है मेरा राजा बेटा। चुप क्यों है शांता? कोई बात नहीं, यूं ही लता की याद आ गई थी। लता, तुम्हारी छोटी बहन? जी, दरअसल वो मेरी सगी बहन नहीं, मेरे चाचा की लड़की है। बचपन में ही अनाथ हो गई थी, तब से हमारे यहाँ ही पली बड़ी। मैंने कभी एक पल के लिए भी उसे आंख से ओझल नहीं होने दिया। तो उसे यहाँ बुला लो, अच्छा होगा, घर में रौनक हो जाएगी। बुला तो लो, लेकिन एक बात से डरती हूँ। अल्लता बाल विधवा है। बाल विधवा? अभी उम्र क्या है उसकी? बेचारे गुड़ियों से खेला करती थी जब उसकी शादी हो गई, और शादी होते ही कुछ दिनों के बाद उसके मांग का सिंदूर मिट गया। हमने आज तक लता को नहीं बताया कि उसे खुलकर मुस्कुराने का अधिकार भी नहीं है। ये सब पुरानी बातें, इसमें उस बेचारी का क्या दोष? तुम लता को यहाँ बुलवा लो शांता, मैं फूफी को समझा दूंगा, किसी को कानो कान पता ना चलेगा। अच्छा। Bye.
मेरी सुरीली सिस्टर। क्या है भैया? अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सो लूं। ये भी कोई सोने का वक्त है? अरे क्या कर क्या रही है तू? ये देखो दिन के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक पड़े सो रहे हो। तारा। हाँ जी। लैंप तुमने देखा? देखा। लैंप कब जलाया जाता है? रात को। बस तो समझ लेके रात के 11 बजे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी। ओ भाभी। क्या हुआ क्या हुआ? क्या करती है तारा? बड़ी मुश्किल से इस फितने की आंख लगी है। लोरियां दे देकर सुलाया है। तेरे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, इसे मत जगा। क्यों नहीं जगाऊं? बताऊं क्या बात है? बता। आजकल डैडी ने मेरा अलाउंस बंद कर दिया है। और अगर तेरी भाभी जाग गई तो ये सीधा क्लब जाने का तकाजा करेगी और मैं क्लब में मुंह नहीं दिखा सकता। क्यों? इसलिए कि 6 नए पैसे पॉइंट के हिसाब से 150 रुपए हारा हूँ। 150 रुपए? जी हाँ, और वो भी उधार। जीवन आने पे। डैडी सोए हुए थे? जी नहीं डैडी, जाग रहा हूँ। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है। अच्छा जीवन, रतनलाल ने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे? 1000 रुपए? डैडी मैंने तो मुद्दतों से 100 का नोट नहीं देखा। लेकिन 100-100 के 10 नोट तो देखे हैं ना। जीवन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाप का बेटा रतनलाल है जो अपने स्वर्गवासी पिता का कर्ज उतारता है, और एक मेरे बेटे तुम हो जो। डैडी बस याद आ गया, कोई साल भर की बात है, इन्हें एक लिफाफा दिया था, जरूर किसी पुराने कोट की जेब में पड़ा होगा। जरूर पड़ा होगा। चलो तारा, साहबजादे की नींद खराब हो रही है। लाओ देखूं तुम्हारा रमेश चाचा पास हुआ या नहीं। रमेश रोल नंबर 210 है ना तुम्हारा? हाँ भैया। हाँ फिर तो तुम फेल हो गए। नहीं हा? नहीं रमेश कैसे फेल हो सकता है? जैसे दुनिया के दूसरे लड़के होते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे। मेहनत तो बेचारे ने दिन रात की थी, मगर कामयाबी तो भगवान के हाथ में होती है। मुबारक हो रतन, रमेश LLB में पास हो गया। पास हो गया? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? तुमने अखबार नहीं देखा? ये देखो LLB। तो मैंने देखा था। फर्स्ट क्लास 210। अरे मैं तो सेकंड और थर्ड क्लास ही में देखता रहा। अरे फूफी, रमेश पास हो गया फर्स्ट क्लास में है? मैं जानती थी हमारा रमेश कभी फेल नहीं हो सकता। भाभी ये सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। देखो भैया अब वकील बन गए हो, कोर्ट में भी हमेशा सच का साथ देना। वकालत और सच्चाई? भाभी एक आग है और एक पेट्रोल। सच्चाई का पेशा तो सिर्फ डॉक्टर का पेशा होता है। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे डॉक्टरों के हत्ते कोई खाता पीता अमीर मरीज चढ़ जाए तो समझ लो उसका दिवाला निकल गया। जरा सा जुकाम हो गया तो जुल्लाब की गोली दे देंगे, और जहाँ जुल्लाब लगने शुरू हुए कि इंजेक्शन पर इंजेक्शन, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, और जहाँ इंजेक्शनों से हाथ सूज गया कि ऑपरेशन। जिस्म के सारे मर्द दूर हो जाएंगे लेकिन जुकाम वही का। अच्छा बिल्लू, सबसे सच्चा पेशा कौन सा है? हमारी भाभी का। वो क्या? खाना पकाना। बस यही एक पेशा है जिसपे झूठ का कोई काम नहीं। पेटू को तो हमेशा पेट ही की सूझती है, सारा दिन चढ़ता जो रहता है, इसलिए रसोई का पेशा अच्छा लगता है इसे। देख लता, फिर जो तूने मुझे पेटू कहा तो एक जमा के लगाऊंगा। अरे जा, बड़ा आया घर का मालिक, मैं जीजा जी से कह के पिटवाऊंगी। हाँ ए लता, टूटते बैठते मेरे छोटे भैया को तू छेड़ती रहती। हाँ देख लो भैया, तुम BBFOOL MN में पास हुए और तुम्हें मुबारकबाद देने की बजाय मुझे छेड़ने चली आई। क्यों ना छेड़ू, मुझे सर्कस ले जाने का वादा किया था, ले क्यों नहीं गया? देखो लता, सर्कस तुम्हें मैं ले चलूंगा। अरे भैया मत ले जाना इसे, वहाँ एक खाली पिंजरा रखा है, सर्कस वाले इसे वापस नहीं आने देंगे। बोल तो ऐसे रहा है जैसे उस पिंजरे से तू खुद भाग के आया। अब बस फिकर लता, क्या महाभारत छेड़ दिया है तूने?
ये तो बच्चों की महाभारत है बेटी, अपने आप छिड़ती है और अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ रतन, तुम रमेश को मेरे पास क्यों नहीं भेज देते? कुछ दिनों मेरे साथ कोटा आया जाया करेगा तो काम काज सीख जाएगा। क्यों नहीं चाचा जी, मैं कल ही से भेज दूँ। ये ऑल इंडिया रेडियो है, अब आपकी सेवा में मास्टर मिठू रसोई घर की चीज पेश करता है। आज का मेनू ये है, आलू मटर पनीर के पकौड़े, देहरादून के चावल, गंगा जमुना की दाल और सुनिए प्याज है चटनी मुफ्त। सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेकर रसोई घर में तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। अरे मिठू, तू बड़ा शरीर हो गया है, लेकिन ऐसी शरारतें ही तो घर की रौनक होती है। रतन, किसी बुजुर्ग ने तुम्हारे घर को देखकर ये कहा होगा कि सबसे बड़ा विद्यालय एक घर होता है। चल मेरे घोड़े चल चल चल, चल मेरे घोड़े चल चल चल, चल मेरे घोड़े। ए मिठू, क्या? चल उतर, उतर घोड़े से। हाँ? नहीं उतरूंगा। नहीं उतरेगा? नहीं। एक रख के दूंगा, उतार। नहीं उतरूंगा। तेरा डैडी जब तेरे जितना बड़ा था तो कितने बड़े बड़े काम किया करता था। जब मेरा डैडी तेरे जितना बड़ा था तब पूरी दुकान चलाता था, तू क्या करता है? अच्छा, तू इतनी गंदी हो गई तेरी जबान। चल, मैं तो पढ़ने लिखने में हूँ ही जीरो, ये मेरा भी बाप, पढ़ने लिखने की फिक्र नहीं बेटा, घोड़े की सवारी करते। अकबर के दो वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला बीरबल और दूसरे का नाम था पंडित दो प्याजा। फिर भूल गया। अकबर के दो वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला दो प्याजा और दूसरे का नाम था पंडित बीरबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल किया, बीरबल से सवाल किया, छोटे चाचा, एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं, मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता हूँ, कुछ। अच्छा तू ये बता, हम जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा क्यों कहते हैं? मातृभाषा यानी मदर टंग। ए मिठू, कहाँ से ढूंढ के लाया है सवाल? बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, चलो अपनी जगह पे जाके बैठो। चलो तो यूं बोलो चाचा, मैं जवाब आता ही नहीं। चल चल, मुझे क्या नहीं आता, मदर टंग तो मदर टंग, मैं फादर टंग भी जानता हूँ। नहीं चाचा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जैसे तुम्हें बहुत कुछ आता है। अच्छा तुम बताओ, भाषा को मातृभाषा क्यों कहते? बताओ। देखो चाचा, घर में राज किसको होता है? माँ का ना। बात किसकी चलती है? माँ की ना। इसलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कुछ आया अकल में? अच्छा अब समझा कि ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई? हाँ चल खड़ा हो जा, कान पकड़, पकड़ कान। चाचा आज मैंने कुछ तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे प्रणाम करो। नमस्कार महाराज, नमस्कार। अब आप यहाँ से पधारिए और मुझे कुछ पढ़ने दीजिए। बोल तो यूँ रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्यार्थी हो तुम। बहराम डाकू के नॉवल के सिवा कभी कुछ पढ़ा है तुमने? तू तो समझती कि सब तेरे जैसे अनपढ़ है। अपना नाम भी लिखना आता है तुझे? आता है या नहीं, लेकिन तुझे जरूर पढ़ा सकती हूँ। जा जा। बिल्ली शेर को क्या पढ़ाएगी? बिल्ली ने शेर को सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। अच्छा आज मालूम हो गया, तू जरूर किसी चिड़िया घर से भाग कर आई है। चल जा यहाँ से, इस मिट्टू को भी अपने साथ ले जा, मैं बिल्ली तोतों से बात नहीं करता। चल जाना जाना। टाई लगा के, टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई आली खाई में तो जीरो जीरो। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो।
चश्मा चढ़ा के माला बन गए जना बहिरो रहे पढ़ाई यानी खाई में तो जीरो जीरो लगा के माला बन गए जनाब हीरो रहे पढ़ाई यानी खाई में तो जीरो जीरो मुसीबत में कुछ कहो भी तो सही सच्ची बात कहने से डरता क्यों है मैं बता दूं दीदी को याद दिखाया तूने जब कभी मुंह नहीं खुलता तो हाथ दिखाने लगते हो चुप रह वरना अपने 31 दांत ढूंढती फिरेगी शायद तुझे पता नहीं दांत 32 होते हैं एक इसलिए छोड़ दूंगा कि उसमें कीड़े पड़ जाए और वो हिल हिल के अपने आप गिर जाए छोड़ो बिल्लू बताओ झगड़ा किस बात का है क्या बताऊँ भाभी किताब उठाने की देर होती है कि मुझे छेड़ने चली जाती है मैं आज लिख कर दे देता हूँ भाभी कि मैं फेल हो जाऊंगा तू क्या बहराम डाकू का नॉवल पढ़ने वाले पास हो जाते हैं ये तो झूठ क्या दोगी भाभी देखो मैं तो शेक्सपियर पढ़ रहा था नहीं माँ नहीं चाचा किताब को देख देख कर गाना गा रहा था मेरा नाम अब्दुल रहमान मिठू इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ झूठ क्यों सच ही तो कहता है तुम किताब के अंदर एक गाने की किताब छिपा कर नहीं रखते हाँ हाँ बोलती जाओ तुम्हारा क्या बिगड़ता है नुकसान तो मेरा हो रहा है ना एलजुबरे का सवाल तक नहीं आता मुझे लेकिन गाने तो सब याद है ना देखो भाभी समझा लो इसे नहीं तो मैं नहीं तो क्या करोगे तुम लता ओ एक और दीदी माँ एक चाचा को भी लगाओ अरे वाह अरे छिटके चाचा को भी लगाओ ये हाथ दिखाए तूने मार खा के रोते हो बच्चे तो बहुत देखे तुम तो एडवांस भी रोना शुरू कर चुप चुप हो जाओ मिट्टू भैया चुप हो जाओ हाँ हो जाओ ना एक चॉकलेट देना पड़ेगा अरे क्या दो दो चॉकलेट दूंगा मेरे साथ आ जाओ तू कहाँ जा रहा है भाभी इसे रोक लो देखो मुझे बात बात में टोकती है एक बार नहीं 100 बार टोकूंगी क्या हो गया है तुम्हें बच्चों बात बात में झगड़ा क्यों मोल लेते हो अरे यही फसाद की जड़ है भाभी मुझे पढ़ने लिखने से फुर्सत ही कहाँ जो किसी से झगड़ा मोल लूं तो चलो आज मैं खुद देखती हूँ तुम क्या पढ़ते हो सच्चाई का तो आजकल जमाना ही नहीं भाभी यीशु मसीह के लिए एक सूली महात्मा गांधी के लिए 3 गोलियां और मेरे लिए ये 2 शैतान हे भगवान चलो भाभी तुम चल के देखो क्या क्या पढ़ता हूँ चलो आओ आओ पढ़ने की किताबें इस तरह रखते हैं बिल्लू दिखाओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो यही किताब है भाभी अंग्रेजी में है ये तस्वीरें नहीं है इसमें सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी ही समझ सकता है इसको देखती हूँ शायद मेरी समझ में भी आ जाए अरे भाभी ये धोबी के कपड़ों का हिसाब थोड़ी है अंग्रेजी की किताब है बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी टैगोर को नहीं समझ सकते अच्छा तो ये टैगोर की जीवनी है मुझे भी कुछ पढ़कर सुनाओ बिल्लू भैया सुनोगी भाभी हाँ सुनाओ एन ओपन हार्ट एंड ए प्योर माइंड जैकेट जिल वेंड अप द हेल बिल्लू You must know fully about Tagore. As long as there is India on the map, there will be Rabindranath in the hearts of the millions, for he was not only a great poet, but a great force.
He was both a poet's poet and a people's poet. He made history with his pen, which he used in the service of both beauty and duty. Bhabhi, 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 मैंने तुम्हें धोखा दिया भाभी. तुम बताओ कहाँ तक पढ़ी हो? कुछ ज़्यादा नहीं, B.A. पास. B.A. लेकिन लेकिन इस घर में तो किसी को नहीं मालूम. मैं अभी जाके सबको बता देता हूँ. नहीं बिल्लू नहीं, मेरी सौगंध, किसी से इस बात का जिक्र न करना. नहीं करूंगा भाभी, लेकिन आजकल की लड़कियां तो स्कूल का मुंह देखते ही साथ अंग्रेजी का रोब जमाने लगती हैं. लेकिन भाभी, तुमने बीए पास होकर भी कभी अंग्रेजी का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला. बिल्लू, हर चीज अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है. तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भैया कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं. अगर शादी से पहले उन्हें ये पता चल जाता कि मैं बीए पास हूँ, तो मुझे उनके चरणों में बैठने का मौका कहाँ से मिलता. तो भाभी, तुम्हें शादी से पहले मालूम था कि भैया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं? तुम्हारे भैया को पढ़ने की जरूरत भी क्या थी? जिस आदमी का दिल विशाल और पवित्र हो, वो आदमी एक यूनिवर्सिटी से भी बड़ा होता है. ओह, व्हाट ए ग्रेट सिस्टर-इन-लॉ. नमस्ते रतनलाल. आओ आओ मुंशीराम, कहो कैसे आए हो, कोई काम है? जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है. तो कहो ना, झिझकते क्यों हो? अगर आप मेरी बात रख लें तो अर्ज करूं. मैंने आज तक कोई तुम्हारी बात टाली है? तरक्की मांगते हो क्या? जी नहीं, मुझे 1,000 रुपया कर्ज चाहिए. इसके उस मैं अपना मकान आपके पास गिरवी रख दूंगा. मुंशीराम जी, तुम कब से मेरे पास काम कर रहे हो? जी बहुत दिन हुए. तो फिर मकान गिरवी रखने का जिक्र क्यों किया था? तुम ये कहो, तुम्हारी जरूरत क्या है, क्यों कर चाहिए तुम? रतन बाबू, मेरी एक ही बच्ची है, जवान हो गई है, उसकी शादी करना चाहता हूँ. लड़का तो देख रखा है, लेकिन वो लोग दहेज मांगते हैं. ओ, लेकिन मुंशीराम, तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारी कोई बहने लायक लड़की भी है. क्या नाम है उसका? मंगला. मैं उसे देखना चाहता हूँ. जी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे घर आकर सब कुछ बताऊंगा. बैठिए, गरीब खाना ही तो है. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अच्छा तो ये है मंगला. हाँ जी, बड़ी सुशील लड़की है. कहो बेटी, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? जी पढ़ाई लिखाई की ताकत मुझ में कहाँ, घर बार की जरूरत के लिए चिट्ठी तार वगैरह लिख पढ़ लेती है. तो और क्या चाहिए, घरेलू लड़कियों के लिए इतनी तालीम बहुत काफी होती है. जी भगवान की दया से बड़ी समझदार और होशियार बच्ची है, लेकिन इस सूझबूझ का क्या फायदा रतन बाबू, आखिर है तो गरीब की संतान. निराश ना हो मुंशीराम, मैंने तुम्हारी लड़की के लिए वर ढूंढ लिया है. काफी पढ़ा लिखा और अमीर लड़का है, लेकिन है 4 भाइयों का साझा कराना. ऐसे संबंधी तुम पसंद करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर मंगला हमारी होगी. क्या क्या कहा रतन बाबू? इसमें हैरान होने की क्या बात है, तुम मेरे छोटे भाई रमेश को जानते हो ना, आजकल वकालत कर रहा है. मैं उसके लिए मंगला को देखने आया था. रतन बाबू, ये कहकर आप मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मुंशीराम, मैं खुद एक गरीब घर में पैदा हुआ था, मुझे अपनी गरीबी याद है. मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच्चे दिल से कह रहा हूँ. कहो, तुम्हें अपनी लड़की के लिए रमेश पसंद है? जी मैं रमेश बाबू के बारे में क्या कह सकता हूँ, खूबसूरत है, वकालत पास है और अमीर भी है, अमीर भी है. ये जो कुछ मैंने कमा रखा है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, उस पर मेरे तीनों भाइयों का उतना ही हक है जितना बाप की जायदाद पर सब बेटों का होता है. आपको तो मैं जानता ही हूँ रतन बाबू, लेकिन एक छोटी सी शंका है दिल में. क्या है वो? देखिए, मेरे और आपके मर्तबे में जमीन आसमान का फर्क है. आपके घर में लक्ष्मी का राज है और मेरी कुटिया में भूख का निवास. मुंशीराम, तुम ये बात मत छोड़ो, मेरे नजदीक इंसानियत का तराजू दौलत नहीं शराफत है. मैं मुन्नी की सब तैयारियां किए रहता हूं. जादूगर देखी तेरी जादूगरी, मेरे दिल पे हावी है.
क्यों जादूगर? तारा, भैया चाचा जी से मिलने आए हुए हैं। ओ, कहीं उन्होंने देख लिया तो? शायद हमारी शादी न कर बैठी। पगली, शादी तो एक दिन जरूर होगी, लेकिन अभी भैया यही समझेंगे कि उन्होंने मुझे चाचा जी के पास वकालत सीखने भेजा और मैंने यहाँ आकर मोहब्बत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। चलो हटो। तो रमेश की शादी मुंशीराम की लड़की से होगी? जी हाँ। मैं जानता हूँ रमेश इनकार नहीं करेगा, लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही था। क्या बात है चाचा जी? रतन, मैंने तो रमेश को एक जमाने से तारा के लिए सोच रखा था। तो आपने मुझे पहले क्यों ना बताया? मैं मुंशीराम को हरगिज वचन ना देता। बेटा रतन, अगर तुम वचन दे चुके हो तो उसे निभाओ। चाचा जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक तरफ मेरी जबान की आजमाइश है और दूसरी तरफ मेरे फर्ज की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को दिए हुए वचन को तोड़ दो। आप ठीक कहते हैं चाचा जी, लेकिन मैं उस आदमी को भी तो इनकार नहीं कर सकता जिसने मुझे जमीन से उठाकर आसमान की पहली सीढ़ी पर चढ़ाया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी जबान और अपने फर्ज दोनों को निभा सकूं। आइए आइए रतन बाबू, आइए बैठिए। कहिए, सब तैयारियां मुकम्मल हो गई ना? मुंशीराम, जिंदगी में पहली बार मुझे वचन देकर पीठ दिखाने की जिल्लत सहनी पड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा सुनना कीजिएगा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने दुनिया भर से कह रखा है कि मेरी बेटी आपके घर जा रही है। रतन बाबू, बिरादरी में मेरी नाक न कटवाइएगा। घबराओ नहीं, मैं अभी अभी वकील चाचा से मशवरा करके आ रहा हूँ। तो ये आग जरूर वकील साहब ने लगाई होगी। रतन बाबू, आप किसी की बातों में आकर मेरा सत्यानाश न कर बैठिएगा। रतन बाबू, बात तो सुन लो मुंशीराम। बैठो बैठो बैठो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंगला की शादी रमेश से नहीं बल्कि राजन से होगी। राजन को जानते हो ना? आपका दूसरा भाई जो डॉक्टरी पढ़ रहा है। हाँ वही। कुछ मजबूरी ऐसी थी जो मुझे तुम्हारे सामने आंख नीची करनी पड़ी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। राम ने सही, लक्ष्मण सही, भाई तो दोनों आप ही के हैं। रतन बाबू, मैं अब मंगला के हाथ पीले करके रिटायर होना चाहता हूँ। जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। मारे पिस्तौल से ना काटे तलवार से, मर्द को गुलाम ये बनाए बड़े प्यार से।
मारे मारे पिस्तौल से ना काटे तलवार से, मर्द को गुलाम ये बनाए बड़े प्यार से, कभी इकरार से कभी इनकार से, कभी इकरार से कभी इनकार से, गजरे की धार से या बालों के सिंगार से, इसीलिए कहता हूँ डरो डरो नार से, डरो डरो नार से, जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। ये काम भगवान का नुस्खा जरूर ये तो होगा शैतान का, हो नहीं सकता ये काम भगवान का नुस्खा जरूर ये तो होगा शैतान का, चार बूंदे नखड़ा आठ बूंदे झगड़ा, चार बूंदे नखड़ा आठ बूंदे झगड़ा, झूठ बारह बूंदे तो सोलह बूंदे लफड़ा, बाबा बाबा कैसा बनाया तूने रगड़ा, बनाया तूने रगड़ा, जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। चलने में तेज जैसे सुई घड़ियाल की, लाए ये निकाल के खबर पाताल की, चलने में तेज जैसे सुई घड़ियाल की, लाए ये निकाल के खबर पाताल की, मीठी है जबान की झूठी है जहान की, दिल की है खोटी तो कच्ची भी है कान की, काली हो या गोरी है बैरी इंसान की, बैरी इंसान की, जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया, जवान हो या बुढ़िया या नन्ही सी गुड़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। पोस्टमैन राजन। यस, मेरा खत आया है। मेरा? हाँ। घर से आया राजन? घर से भी और ससुराल से भी। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी पक्की कर दी। आप फंसे बेटा, लेकिन मैं तुमसे कह देता हूं मैं उसूल का धनी हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं हरगिज़ हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। जल्दी करो, साबुन मेरे आँख में गया माँ, जल्दी करो पानी वाला गिलास। भाभी बेटा। भाभी। राजन तुम इतनी जल्दी कैसे है? चाचा। मिठू ये साबुन वाले हाथ में लगाना मुझे। तबीयत तो अच्छी है ना तुम्हारी? हाँ तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है भाभी, लेकिन ये मजाक क्या है? मजाक? मजाक कैसा? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी सब कुछ जानते हुए भी अनजान न बनो, मैं कह देता हूँ शादी मेरे उसूल के खिलाफ है। किसकी शादी और कैसा उसूल? चलो पहले आराम से बैठो फिर बात करो। आराम तो शादी का नाम सुनते ही हराम हो गया। देखो भाभी ऐसी मेरी उम्र ही क्या है, ये भैंस की रस्सी मेरे हाथ में क्यों दी जा रही है? भाभी मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे संसार सागर में डूबने से बचाओ। राजन एक बार संसार सागर में कूद कर तो देखो, अपने आप तैर कर किनारे लग जाओगे। नहीं भाभी मैं डूब जाऊंगा। अगर शादी से इतना घबराते हो तो ऊपर जाकर अपने भैया से बात कर देखो। भाभी ऊपर सिर्फ भैया हैं या और कोई भी है? फूफी भी हैं। तुम मारे गए। भाभी कम से कम मेरी मदद के लिए तुम ही साथ चलो। राजन तुम कोई लड़की तो नहीं हो, हिम्मत से काम लो। समझ गया, सब समझ गया भाभी, तुम सबने मिलकर मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ मैं इस चक्कर में नहीं आने वाला, मेरा नाम भी राजन है राजन। ओहो राजू आ गए, देखो तुम्हारी गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही। देखा बेटा शादी की खबर पाते ही एक्सप्रेस गाड़ी से आ गया। भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह मुझे खत लिख देंगे। देखा मैंने कहा था ना खत मत लिखो, तार भेजो तार।
शिकायत करने आ गया? फूफी तुम कुछ और समझी, राजन को दरअसल इस बात की शिकायत है कि उसे शादी की खबर भेजने की जरूरत क्या थी, जब सब तैयारियां हो जाती तो शादी के रोज उसे बुला लिया जाता। भैया ये बात नहीं, शादी के दावतनामे भेजने से पहले मेरे भी तो कुछ सुन लीजिए। अरे तुम क्या कहोगे और मैं क्या सुनूंगा? भैया मैं तो ये कहना चाहता था कि आखिर इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? ओ, ये बात है? नहीं, मेरा मतलब है कि इम्तिहान हो ले उसके बाद। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया राजन। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा, लड़की वाले मुझे जबान का झूठा समझेंगे और दुनिया कहेगी रतनलाल के दिन क्या फिरे दिमाग भी फिर गया, दौलत आते ही शराफत रुखसत हो गई, भला एक मालिक अपने मुंशी की लड़की को बहू क्यों कर बनाने लगा? नहीं भैया मेरा ये मतलब नहीं था, माफ करना मुझे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा हुआ राजन मान गए, मैं डर रही थी कहीं गुस्से में इनकार न कर दे। ओके, राजन मेरा भाई है, मैं अपने खून को पहचानता हूं, मेरे भाई मुझे कभी शर्मसार ना होने दे। थोड़ा ही टलती है बहन, हुआ क्या कुछ हमें भी तो बताओ। छोड़ भीरी, तू तो सदा आंखें बंद रखती है, देखा नहीं इस चांद जैसी बहू का कैसा स्वागत हुआ है? हमने तो आज तक कभी ना देखा ना सुना कि बहू घर में प्रवेश करे और विधवा उसे तिलक लगा। समझ गई मैं, लता की बात कर रही हो ना? अरे नाम क्यों लेती हूँ किसी का, मेरा तो उसे देखते ही कलेजा बैठ गया। मंगला किस गहरी सोच में डूबी हो? तो क्या बात न करने की कसम खा रखी है? अच्छा अगर ये बात है तो बोलो मत, सिर्फ एक गाना सुना दो। मुझे छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, भगवान के लिए चुप रहो। अगर आज की रात भी चुप रहा तो दुनिया मुझे पागल समझेगी। दुनिया क्या है, मगर ये तो बता दो तुम्हें क्या हुआ, घर में किसी ने कुछ कहा या तबीयत अच्छी नहीं? तबीयत अच्छी है लेकिन किस्मत ही बुरी है। किस्मत? किसी को हाथ दिखाया तुमने? राहु केतु दरवाजे पर ही तो खड़े थे। लेकिन मुझे तो नजर नहीं आए। आपको क्यों नजर आते, दरवाजे पर कदम रखते ही उस कलमुई ने अपशगुन कर दिया। लेकिन हमारे घर में तो कोई कलमुई नहीं है, एक एक का रंग गोरा है, तुम साफ साफ कहो ना डरती क्यों? मैं क्यों किसी से डरने लगी, लता ने गृह प्रवेश के समय आपको तिलक नहीं लगाया था? तो क्या तिलक की जगह थप्पड़ लगाना चाहिए था? मेरा मतलब है लता विधवा है, ससुराल में आती ही सबसे पहले वो दरवाजे पर मिली, आरती उसने उतारी, तिलक उसने लगाया। नदीदी कहीं चैन से दो घड़ी अंदर नहीं बैठ सकती थी? देखो मंगला, लता को कभी भूल कर भी नदी दिया कलमुई न कहना, लता इस घर की जान है, कहीं भाभी ने सुन लिया तो? सुन लिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा ही लगेगा ना, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ सकती है वो? मैं जानती हूँ मेरे पिताजी ने ऊंचा घराना देखकर मेरा माथा फोड़ डाला है, अगर आपकी भाभी और फूफी के दिल में मेरे लिए जरा सा भी ख्याल होता तो वो मेरे स्वागत के लिए उस विधवा को दरवाजे पर न भेजते। मंगला याद रखो, मेरी भाभी नहीं मेरी माँ भी है, वो इस घर की मालकिन है, और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो भाभी के इशारों पर चलना होगा। तो यूँ क्यों नहीं कहते कि आपको घर के लिए एक दासी की जरूरत थी, दासी चाहिए थी
तो शादी का इतना बड़ा ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? मैं भी शांता की तरह इस घर की बहू हूँ। जितना हक शांता का इस घर पर है उतना मेरा भी है। अभी घर के सारे कमरे तो देखे नहीं और हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। जैसा जी में आए करो, मुझसे कुछ मत कहना। नहीं कोई अब
अपने बला से दुनिया जले, हम तो पी के चले। कौन है तू? बोलो। तुम तो सिर्फ पिंजर हो पिंजर। इस वक्त तो बड़े मासूम बनकर खड़े हो, खाल उधड़ गई है ना तुम्हारी, बदन पर जरा गोश्त और रगों में खून होता तो क्या क्या ना बोलते तुम। मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, ये मेरी कोठी है, वो मेरा बंगला है। अब बोल बेटा, अब बोल। मेरा ख्याल है राजन की शादी में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, वरना ये शराब तो शराब सोड़े तक तो का छूता था। राजन ये क्या बकवास है? अरे कौन है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं दोस्त, मैं तो चांद से भी आगे जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये देखो, देखो ये देखो तुम्हारे दोस्त, कभी ये भी तुम्हारी तरह बोलता था, गाता था, अकड़ता था। चलो चलो प्यार करो अपने दोस्त को, चलो हाथ मिलाओ इसे, चलो। राजन तुम चुप होते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? तुम क्या फोन करोगे, मैं खुद पुलिस को फोन करता हूं। हेलो हेलो पुलिस, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, दिस इज राजन स्पीकिंग। देखिए मेरे दोस्त शराब पीकर आए हैं। अलो ना ना, वो कहते हैं मैं पीकर आया हूँ, जल्दी आई है। अब तो हद हो गई। राजन विस्की पियोगे? विस्की पिलाओगे? देखिए एक बड़ा विस्की, बड़ा विस्की और छोटा सोडा। है राजन विस्की पियोगे? वो बोतल वहां रखी है ना, वो जरा ले आओ अंदर दे। विस्की की और सोडा एक एक। मेरा दिल नहीं मानता कि राजन को शराब की आदत पड़ गई है, ऐसा लड़का नहीं है वो। था तो नहीं, पर बुरी आदत पड़ते कौन सी देर लगती है। मैं पक्का किया करता था कि हमारे घर में एक डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर तो खुद मरीज बन रहा। तो क्या चुप रहकर लड़के की जिंदगी खराब करते? नहीं भूखी, मैंने राजन के लिए एक इलाज सोचा है, उसे जबानी समझाने से असर उल्टा पड़ेगा। आजकल वो हॉस्टल में खुलम खुला पी रहा है, नसीहत करने से छिप छिपा कर पीने लगेगा। मैंने फैसला किया है उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाल दूं, आइंदा से घर और दुकान की चाबियां मैं उसे सौंप देता हूं। क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करेगा? यही जानने के लिए तो मैंने उसे तार देकर बुलाया है। तार? तार किस तार की दी है? अपनी बीमारी की। ऐसा क्यों किया आपने? राजन बहुत डरपोक लड़का है, तार देते ही घबरा जाएगा। इतनी रात गए कौन आया होगा? जरूर राजन होगा, देखा मैंने क्या कहा था। भैया भैया क्या हुआ है आपको? हा? अच्छा तो है आप? डॉक्टर साहब जल्दी से भैया का मायना कीजिए। भैया ये डॉक्टर कपूर हैं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इन्हें मैं साथ लेता आया हूँ। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए ना। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने तो साहब इसलिए तार दिया था कि। मैं समझ गया, बाज लोगों के मिजाज में घबराहट जरा ज्यादा होती है, जरा सी तकलीफ हुई के घबरा गए। मैं अभी एग्जामिन करता हूँ, घबराने कोई बात नहीं, आइए जी। उठिए आइए आइए भैया उठिए। तारा जब तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं तो इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? आप तो हमेशा यही कहती हैं। शायद हमारा काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब देखा, इसीलिए तो तुम्हें रसोई में आने के लिए मना करती हूँ। कितनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, सब चौपट हो गई। आप तो हमेशा यही समझती हैं कि मैं घर का घर चौपट करने आई हूँ। मैं सब समझती हूँ कि आप मुझे जोर से क्यों डांटती हैं, इसीलिए ना कि घर के सब लोग सुने और मेरी हंसी उड़ाएं। क्या हो गया है तुम्हें मंगला, बैठे बिठाए ख्याली बातें क्यों घड़ती रहती हो? आखिर क्या कहा है मैंने तुमसे? मतलब तो आपका यही था कि मुझे रसोई बनाना नहीं आता। मेरा बाप गरीब सही, लेकिन उसके घर में भी चूल्हा था जिसमें दोनों वक्त आग भी जलती थी और खाना भी पकता था। बस बस मंगला, इतना बड़ा व्याख्यान देने के लिए किसने कहा है तुम्हें? मैंने तो साधारण सी बात कही थी, तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ बातें बनाने के सिवा मुझे और काम ही क्या है? आप तो चाहती हैं कि आप किसी और रसोई में कोई कदम न रखे, आपका सारे घर में चर्चा हो और सब लोग हमारी निंदा करें। चलो तारा इन्हें चौधराइन बनने दो।
कुछ भी हो तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर वो हमारी जेठानी है। जेठानी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा अपनी टांग हमारे सर पर रखे। आज मुझसे ये बर्ताव रहा है, कल तुमसे होगा। मैं कह देती हूँ तारा अभी से समझ जा, वरना पानी सर से ऊंचा हो गया तो इसी घर में तुम एक दासी बन के रह जाओगी। छोड़ो भी मंगला, कैसी बातें करती हो। मैं शांता बहन को जानती हूँ, उनके दिल में कोई पाप नहीं। अरे पगली, वो तो हमें दिल से चाहती है। इतनी बड़ी दिल की होती तो इस घर में हमारी ये दुर्दशा न होती। हर चीज से हमें इस तरह दूर दूर रखा जाता है जैसे कि इस घर में हम चोरी करने आए हों। घर की एक चाबी भी है हमारे पास, ना हम रसोई में जा सके, ना अपनी मर्जी से कुछ पहन सके। मैं तो गरीब की लड़की ठहरी, मुझे तो खैर कोई हक मिलने से रहा। तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, घर की चाबियां तुम्हें क्यों नहीं दे देती। बस मंगला बस, कभी तो मीठी बात किया करो, जब देखो तुम्हारी जबान से जहर ही टपकता रहता है। राजन। यस सर। तुम्हारे भैया को मामूली सा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर तो क्या हुआ, जरा से परहेज और आराम की जरूरत, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, राजन और रमेश जैसे भाइयों के होते हुए मुझे घबराने की क्या जरूरत। हाँ डॉक्टर साहब, भैया एक दिन मुझसे कह रहे थे जिस आदमी के तीन भाई हो वो एक पूरी फौज का मुकाबला कर सकता है। क्यों नहीं। अच्छा राजन मैं चलता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, खाना खाए बगैर आप नहीं जा सकते। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप राजन के प्रोफेसर हैं, कम से कम इतनी सेवा का मौका तो हमें दीजिए। आइए। देखा डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी को सुनते ही मेरे भाई कितना घबरा गए। घबराहट की क्या बात है भैया, आपको सिर्फ थोड़े से आराम की जरूरत है। इसीलिए तो मैंने तार देकर तुम्हें बुलाया है। मुझे? देखो राजन, अब शरीर वो शरीर नहीं रहा। दिन भर दुकान में बैठकर काम संभालना अब मेरे बस की बात नहीं। अगर दुकान का काम तुम संभाल लो तो मुझे कुछ आराम मिल जाएगा। आप कौन से 60-65 बरस के हो गए, आपको आराम की जरूरत है तो दुकान का काम रमेश भैया संभाल लेंगे। क्यों राजन, तुम क्यों नहीं? भैया रमेश मुझसे बड़े हैं, ये उनका हक है। रतन बाबू, मुनासिब भी यही है। राजन को जब आपने इतनी मेहनत से यहाँ तक पढ़ाया है तो फाइनल ईयर में जाकर उसे रोकना गलत बात है। अगले साल तो वो डॉक्टर हो जाएगा, फिर आप जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। अच्छी बात है, तो रमेश कल से दुकान तुम संभालो। मैं जानता हूँ तुम वकील हो, शुरू शुरू में दुकानदारी तुम्हें अच्छी नहीं लगी। भैया जब आपने फैसला ही कर लिया है तो दुकानदारी तो क्या, आप जो कोई भी काम तजवीज करें वो मेरे लिए फर्ज है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब मैं यहाँ रखूंगा और तुम बेंगलोर जाकर दुकान का कारोबार संभालो। और राजन तुम कल डॉक्टर साहब के साथ चले जाना। डॉक्टर साहब इसका ख्याल रखा कीजिए, लड़का जरा मन चला है। आप बेफिक्र रहिए, मैं जो हूँ। अरे कुछ देर पहले तो अच्छी भली आदम जाती, अब ये बाल बाल बिखरे की पूरी चुड़ैल लग रही हो। न जाने इस चुड़ैल की किस्मत में मौत कब लिखी है। मैं दिन रात दुआएं मांगती हूँ कि मालिक मुझे इस दुनिया से उठा ले ताकि आपको दूसरी शादी का मौका मिल जाए। मेरी जान पर लाख मुसीबतें आई, आपको खत पर खत लिखे जाए तो आपके कान पर जू तक लड़ेंगे, लेकिन आपके भाई या भाभी को जुकाम भी हो जाए तो आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। चलन ने तुम्हें पागल बना रखा है मंगला, कभी ठंडे दिल से तुमने ये भी सोचा है कि मेरे भाई ने खून पसीना एक करके हमारे लिए क्या क्या किया है। अगर तुमने उस देवता की कुर्बानियां देखी होती तो आज इस बकबक की जरूरत न होती। कुर्बानियां की होंगी तो अपने लिए, हमारे लिए क्या किया उन्होंने। मंगला मेरे भाई और भाभी के लिए अगर कोई बुरा लफ्ज मुंह से निकाले तो इस घर में खून हो जाएगा। खून तो मेरा ही होगा और मेरे खून से आपकी नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई जाएगी। तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हो, इस घर में रहना है तो मेरे भाई और भाभी के कहने पर रहना होगा, और अगर तुम ये जलन और हसन नहीं छोड़ सकती तो बड़े शौक से अपने घर जा सकती हो। ये घर मेरा है, मुझे और कहीं जाने की क्या जरूरत है। आपके भाई साहब आपके लिए मेरा हाथ मांगने हमारे घर आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि इस घर पर चारों भाइयों का बराबर का हक है। मुझे इस घर से निकलना होगा तो सबको लेकर निकलूंगी, नहीं तो मैं भी यही रहूंगी। रहो, बड़े शौक से रहो, जब तक इस घर के ईंट से ईंट न बच जाए तुम अपने पांव जमाए रखो, लेकिन आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यही सोच कर चला जाऊंगा कि मेरी बीवी मर चुकी है। भाभी भाभी तुमने मेरे गले में ये फांसी कहां से डाल दी। क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो राजन। अनाप शनाप नहीं कह रहा, जो मुझ पर बीत रही है उसका रोना रो रहा हूँ। भाभी तुमने कितने लाड प्यार से मुझे फूलों के झूलों में झूला झूला कर बड़ा किया, क्या इसलिए कि बड़ा होते मैं कांटों में रोंदा जाऊं। मुझे बचपन में तुम प्यार से तोता कहा करती थी भाभी, क्या तुमने इस तोते को उस बिल्ली के मुंह में देने के लिए पाला था। ऐसा ना कहो राजन, तुम मंगला को गलत समझे हो,
दिल से ऐसी बातें निकाल दो, मैं देखूंगी कि आइंदा तुम आपस में हंसी खुशी रहो। नहीं भाभी नहीं, मुझे किसी शेर के पिंजरे में डाल दो, लेकिन उस नागन के हवाले न करो, मैं कुछ कर बैठूंगा भाभी। मूर्ख न बनो राजन, मंगला की अभी उम्र ही क्या है, बचपना ही तो है उसका, वो नहीं समझती कि दुनियादारी क्या है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। वो बहुत कुछ समझती है, वो इतनी मक्कार है कि एक हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से तुम्हें नीलाम कर दे। भाभी तुम सांप को रस्सी समझ रहे हो, मैं आखिरी बार तुमसे कह देता हूँ कि जब तक वो कम जाती इस घर में, मैं इस घर में कदम तक न रखूंगा। राजन इसी तरह सारी लंका में शोर मच रहा था। कल इसी चौपाई में मुझे नींद आ गई। रामायण सुनो बेटा, रामायण सुनो। नींद तो आती रहती है। रावण के भाई का नाम कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण को नींद से और नींद को कुंभकर्ण से बड़ी प्रीति थी। बादल गरजे या बिजली कड़के, तूफान आए या आंधी चले, परंतु कुंभकर्ण नींद में मगन रहता था। रावण ने अपने भाई को जगाए रखने के लिए बड़े बड़े यत्न किए, परंतु नींद नींदी होती है, नींद नींदी होती है। डैडी, अरे पगली तो इसमें रोने की कौन सी बात है, अरे ये तो खुशी का मौका है, डैडी को जज का ओहदा मिला है, वो भी धर्म की नगरी बनारस में। डैडी आप लौट के कब आएंगे? बेटी तुम अब पराई हो चुकी हो, ससुराल ही तुम्हारा घर है। चाचा जी आपके जाने से ना जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। लीजिए डैडी, रतन बाबू तो तारा से भी बढ़कर निकले, मेरा ख्याल है आप इनको अपने साथ ही लेते जाइए तो अच्छा है। जीवन जबान चलाने के लिए भी कोई वक्त होता है। बेटर रतन कभी कभी खत लिखते रहना। डैडी डैडी सिग्नल हो गया, मेरा ख्याल है आप बैठ जाइए। अच्छा अच्छा डैडी जीवन। हेलो रमेश, कहो क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, कहाँ से आ रहा हूँ? आ तो दुकान से रहा हूँ, तारा का टेलीग्राम आया है। ओ कब आ रही है? आ तो कल रही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? खूब कही यार, लड़का तुम्हारे यहाँ होने वाला है और पूछ मुझसे रहे हो। मेरे प्यारे जीजा जी, दरअसल बात यह है कि कुछ दिन हुए तारा का खत आया था कि उसके पाँव भारी है, तो मैंने लिख दिया कि सीधी बेंगलोर चली आओ। लेकिन मैसूर में रहने में क्या हर्ज है? देखो भाई साहब, हर बात समझाई नहीं जाती, परमात्मा की दया से पहली बार तो मैं मामा बनने वाला हूँ, फिर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि पहली औलाद लड़की की महकम होनी चाहिए, और अगर डैडी यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर बार के फर्ज को भूल चुका हूँ।
और तारा यहाँ होगी तो तुम आते जाते रहोगे, मुलाकात होती रहेगी। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ दुकान कैसे चल रही? चल तो ठीक रही है, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं। छोटी भाभी, छोटी भाभी, छोटी भाभी, ये क्या कर रही हो? पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। नहीं, फूल क्यों तोड़ती, वो देखो ना कितने गिरे पड़े। तो क्या मिट्टी में मैले हुए फूल भगवान को चढ़ाऊं? तो क्या हुआ, फूल उगता भी तो मिट्टी से है, भगवान को मिट्टी मिट्टी कोई परवाह नहीं। तुम लोग खामखा अपनी तरफ से गड़बड़ करते हो। चल बड़ाया शास्त्री कहीं का, मैं तो यही फूल तोड़ूंगी। देखो छोटी भाभी, ये पौधा मैंने अपने हाथों से अपने लिए लगाया, तुम्हारे या तुम्हारे भगवान के लिए नहीं लगाया। तुम तो वही छोटी भाभी, बड़ी भाभी ने भी कभी इस पौधे को हाथ नहीं लगाया। आंखें फूट गई है क्या, आते जाते को धक्के मार रही है? मैं तो हूँ ही अंधी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? जा जा, सुबह सवेरे मेरे मुंह ना लगा। देखो बहन, अब तुम मैके जा रही हो, लेकिन वहां जाकर बैठी ना रहना। आने की भी क्या जल्दी है? ना बहन, ऐसा मत सोचना। अभी हम यहाँ हैं, तो हमारी ये हालत है, आंखों से दूर हो गए तो न जाने हमारे पीछे क्या क्या खिचड़ी पकती रहे। पता है तुम्हारे देवर ने जाते हुए मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कह गए थे इस घर में रहना है तो मेरी भाभी के पांव की खाक बन के रहना। क्या तुम सच कहती हो मंगला? कसम है जो तुमसे झूठ बोलूं, तो क्या हम इस घर में सिर्फ गुलामी के लिए आए हैं? क्या कहूँ बहन, गुलामी भी इससे कहीं अच्छी होती है। मैं तो तुम्हारे देवर की बात सुनकर चुप हो गई, चुपके से और चारा भी क्या था। ठीक कहती हो बहन, जहाँ बस ना चले वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। ये तो तुम्हारा ही दिल है बहन, जो जुल्म सहकर भी शांता ही का साथ देती हो। वरना देखो ना, बड़े जेठ ने दुकान का सारा बोझ तुम लोगों के कंधे पर डाल दिया और अब मजे से घर में बैठे आराम कर रहे हैं। अरे गाड़ी का वक्त हो गया, बिल्लू अभी तक नहीं आया? हाँ, अरे बिल्लू के इंतजार में रही तो गाड़ी छूट जाएगी, वो तो बाग के पिछवाड़े उस कलमुई लता से खेल रहा होगा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सावरिया की गली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मत देख अकेली है साथ में डोर सहेली, मत देख
ये बिजली की तार बड़ी तेज है कटार देगी काट के रख दिल जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे हाय मेरी पतंग ए ए लता ए ए लता ए लता ये फूल कहां से तोड़ा था उस पौधे से तू जानती नहीं वो मेरा पौधा और उस पौधे से फूल तोड़ना मना है और तू नहीं जानता कि मैं वही काम करती हूँ जिसकी इजाजत ना हो देख लता तेरी जगह अगर कोई और होता ना तो मैं उसका सर फोड़ देता चल चल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं तारा बहन को छोड़ने बेंगलोर नहीं जाना है मुझे क्या करना है वहाँ अंजन में कोयला डालना है तुझे चल देर हो रही है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाएगा नहीं जाऊंगा नहीं जाएगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं देखूंगी कि तू जाएगा 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 चल खुशी बहार आई बाहों में खिली कलियां आना ए लता ये गुलाब का फूल कहां से लिया तूने फूल कहां से लिया जाता है बाग से मगर हमारे बाग में तो ऐसा एक ही पौधा है तो समझ लो उसी पौधे से लिया होगा तारा बहन मैं तो बिल्लू की मिन्नतें कर कर के हार गई लेकिन वो मानता ही नहीं कहता है मुझे बैंगलोर जाने से भी एक ज्यादा जरूरी काम है तो उसने ऐसा कहा तुमसे तू क्या मैं झूठ बोल रही हूँ अच्छा मैं भी देखती हूँ वो मेरे साथ बैंगलोर कैसे नहीं चलता जल्दी से जाओ वरना वो कहीं भाग निकलेगा हाँ बिल्लू ओ बिल्लू तुम मेरे साथ बैंगलोर तुम नहीं जा सकते जा सकता हूँ भाभी मगर शर्त यह है कि तुम मेरी जगह खड़ी होकर मेरी पतंग बनाओ मैं तुम्हारी जगह बेंगलोर आता हूँ मैं जो कुछ पूछती हूँ सीधी तरह जवाब दो सीधी तरह पूछती हूँ तो सुन लो कल पतंगबाजी का मैच है मैं नहीं जा सकता ये बात है तो कहती हूँ शांता बहन से हाँ हाँ जाओ कह के देख लो शांता भाभी तुम्हारी तरह नहीं है ये बात है तो देख लेना आज क्या होता है चल मंगला आखिर बात क्या है ये आए दिन तुम्हारा और लता का झगड़ा क्यों होता है देखो मिट्टू एक वक्त में दो काम नहीं होते क्या पहले अच्छी तरह रो लो या मुझे झगड़े का कारण बताओ बताओ बेटा क्या बात थी देखो माँ लता मौसी मुझे ये फूल नहीं देती देना लता तू भी बड़ी जिद्दी है कभी बच्चे का दिल भी रख लिया करते हैं ये फूल इसका थोड़ी है ये तो मेरे चाची के पौधे का है इसीलिए तो मैंने भतीजे को नहीं दिया चल मैं तुझे बाग से और नहीं मुझे यही पूछते हैं माँ मुझे यही पूछते हैं मिट्टू राजा उस फूल में क्या रखा है चल मैं तुझे एक गुलदस्ता बना देती हूँ नहीं गुलदस्ता लता मौसी को दे देना मुझे यही फूल चाहिए माँ क्या करेगा तू उस फूल को मैं अपने बालों में लगाऊंगा चल है तू भी कोई लड़की है मगर मेरे बाल तो लड़कियों जैसे हैं शांता बहन मिट्टू बेचारे का क्या कसूर ये तो बिल्लू की शरारत है कल से देख रही हूँ कि मिट्टू ने इस फूल के लिए रो रो की जान बेहाल कर ली है चलो बिल्लू ने लता को फूल दे दिया लेकिन लता को तो मिट्टू का ख्याल रखना चाहिए था कम से कम बच्चों से तो बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए इस घर में कोई किसी से बेइंसाफी नहीं करता बच्चे के सामने किसी की शिकायत ना किया करो जाओ मिट्टू अपने कमरे में जाकर सबक याद करो आ इंसाफ होता कहाँ है इस घर में और तो और वो छोटा देवर घर के बड़े बुजुर्गों के कान काटता फिरता है उसकी आंख में तो किसी के लिए भी शर्म नहीं तारा क्या झगड़ा करने का सोच के आई हो सोच कर तो नहीं आई लेकिन जबान बंद भी तो नहीं रह सकती कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हमें रसोई में आने जाने की मनाही क्यों है आखिर छोटी छोटी बातों में हमें क्यों दबाया जाता है तारा बहन तुम खुद ही सोचो रसोई में आते ही कभी तुम्हारा सर चकराना शुरू हो जाता है कभी तुम्हें कह आने लगती है वो तुम्हारा दुश्मनी होगा जो ये देख कर भी तुम्हें रसोई में आने दे तुझसे ये सब किसने पूछा है घड़ी भर के लिए चुप नहीं रह सकती मेरा ये फजूल का झगड़ा क्यों चलो तारा चाय की एक प्याली पी लो मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई तो जाओ अपने कमरे में आराम से बैठो मर्जी होगी बैठूंगी मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ भिखारन नहीं यहाँ तो जिसे देखो एक से एक बड़ा चढ़ा है फूफी है तो इस उम्र में किसी को चैन नहीं लेने देती छोटा देवर है तो बार बार में मुंह पर थूकता है इस हालत में उसे बैंगलोर जाने के लिए कहा तो पतंगबाजी का बहाना लेकर बैठ गया बिल्लू ने साथ जाने से इनकार कर दिया कोई बात नहीं तारा मैं मिट्टू के पिताजी से कहती हूँ वो कल ही तुम्हें बैंगलोर छोड़ाएंगे कल अभी बहुत दूर है
मुझे आज जाना है और आज ही जाऊंगी। मैं गांव की गंवार लड़की नहीं जिसे रेल में बैठकर डर लगता हो। पढ़ी लिखी हूँ, बैंगलोर तो बैंगलोर अमेरिका तक अकेली सफर कर सकती हूँ। कौन कहता है कि तुम सियाने नहीं हो, लेकिन इस घर के औरतें अकेली सफर नहीं करती, किसी अपने का साथ होना जरूरी है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे जाने का सब इंतजाम किए देती हूँ। यहाँ पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाए तो फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि महारानी के हुक्म के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन मैं आपके हुक्म का इंतजार नहीं करूँगी। मैं वो ही करूँगी जो मेरे जी में आएगा। करना है तुझे जो भी तू वो कर ले खुशी से, आया है जो दुनिया में तो फिर डर न किसी से, ले ले डर न किसी से, जो जी में आए करो तारा बहन। बंद कर ये बकवास। आप क्यों उठाती हो तारा, बच्ची है इसीलिए हंसी मजाक में कह गई। हंसी मजाक तो इसका आठों पहर का काम है, इतने लंबे लंबे हाथ पांव निकल आए हैं लेकिन इसका बचपन अभी तक नहीं गया। ये हम पर हंसती है और दुनिया इस पर। भगवान ने हमें भी आंखें दी है, हम सब देख रहे हैं। उम्दा से उम्दा सिंगार, नित नए कपड़े, माथे पर कभी गोल कभी चकोर कभी चौड़ी बिंदिया, बालों में बाग का आला से आला फूल, क्या एक विधवा के ये लक्षण होते हैं। बचपन में ही अपने खत्म को खाकर इसे सिंगार करने का क्या हक है। अरे इसे तो एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने चाहिए या नई नवेलियों की तरह मटक मटक कर आते जाते से छेड़छाड़ करनी चाहिए। बस बस तारा, तुमने जो कहना था कह दिया, अब भगवान के लिए चुप रहो। आपको मुझे चुप कराने का क्या हक है। महारानी जी शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे लिए तो आपके पास सौ सौ नसीहतें हैं, लेकिन जब आपकी बहन का सवाल आता है तो ये नसीहतें कहाँ जाती हैं। हम तो एक कदम भी उठाएं तो आप उस पर सौ सौ पहरे लगा दें, लेकिन आपकी विधवा बहन जैसे चाहे अलल्ले तलंगे फिरती रहे। मैंने कोई झूठ बात कही है तो मुंह पर जवाब दो। गूंगी बनकर क्या बैठी है। मालकिन मालकिन, तारा बीवी ने खाना वापस भेज दिया है। वापस भेज दिया, जाओ फिर ले जाओ। उससे कहना जरूर खाना खाए, ऐसी हालत में औरत को भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा मालकिन। और देखो जरा लता से कहना मैंने बुलाया है। मैके जाते हुए मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन दोनों बहनों ने जली भुनी सुनाकर मुझे मजबूर कर दिया। चलो बहन, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आदमी का दिल पत्थर का तो नहीं होता। आखिर एक न एक दिन इस लावे को फूटना ही था। एक बार कह जो दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी। बड़ी बीवी जी ने कहा है कि आपके लिए ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं। यहाँ रख दो और चले जाओ। दीदी तुमने बुलाया था। हाँ मैंने ही बुलाया था। खाना खा लो लता। मुझे नहीं खाना दीदी, आज मेरा व्रत का दिन है। आज कौन सा व्रत है। उम्र भर के पश्चाताप का व्रत दीदी। पश्चाताप। विधवा होकर इतने दिनों कवारियों की तरह हंसती खेलती जा रही है। ये क्या किया है तूने। मुझे आज ही पता चला है दीदी कि मेरा यही पहनावा है। जाओ जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। मेरे सामने कभी इस तरह ना आना। जाओ चले जाओ। जाती हूँ दीदी, जाती हूँ। लता ये क्या है, ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया। शांता शांता, ये क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये दिल पत्थर का। इस मासूम बच्ची पर ये जुल्म क्यों, जवाब दो शांता। मुझसे ज्यादा कुछ न पूछिए, बस इतना कहूंगी अभी एक बच्ची नहीं सियानी होगी, और फिर एक विधवा के लिए सफेद लिबास पहनना तो समाज की पुरानी रीति है।
आग लगे तुम्हारी समाज को। जिस समाज की रीतों को आज तक मैं नहीं जानता वो लता कैसे जानगी? शांता, मैं इसे इस लिबास में नहीं देख सकता। लेकिन लता जैसे अभागिनों का तो यही लिबास होता है। होता होगा, लेकिन लता को ये सब किसने बताया है? ये हमारी गलती थी कि हमने लता को आज तक धोखे में रखा। अच्छा किया तारा ने जो मुझे मेरी गलती याद दिला दी। समझा, ये तारा और मंगला इस घर की सुख शांति की दीवारें अब मुझे हिलती नजर आ रही है। आज तक इस घर में दुई ने कदम न रखा था, लेकिन अब ये माला बिखरने लगी। अब मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। क्रोध कितना बड़े से बड़ा क्यों न हो, शांति की एक छोटी सी लहर उसे भाकर ले जाती है। मनुष्य असल में वही मनुष्य है जो किसी कठिन से कठिन अवसर पर भी शांति का साथ न छोड़े। पुनः कह विभूति वचन सुहावे। यह शांता बहन, कितने प्यार से उसने सारा इल्जाम तुम्हारे सर डाल दिया, और फिर हमारे देश को तो तुम जानती ही हो, वो तो उसकी एक एक बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। आखिर को मुंह तो हमारा ही काला होगा। अब मैं समझ गई हूँ, इस घर में इज्जत से रहना एक पल भी नामुमकिन है। मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। तो लौट के कब आओगी बहन? क्या मुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं जो फिर लौट के आऊं? भाभी मुझे माफ कर दो, मैं ना जानता था कि मेरा तुम्हारे साथ जाना इतना जरूरी है। शांता भाभी ने मुझे बहुत डांटा है, मैं तैयार हूँ, टैक्सी भी मंगवा ली है। नजर का दोनों पहला पहला जिस्म थे दो पर एक थी जान, एक दूजे पर थे कुर्बान। एक समा थी एक परवाना, एक दीवाना। जंगल जंगल बस्ती बस्ती मजनू प्यार कमारा, आठों पहर लगाता रहता लहला नाम का नारा। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मोरी लैला बसी मोरे मन में। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मोरी लैला बसी मोरे मन में। हाँ दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मोरी लैला बसी मोरे मन में। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मोरी लैला बसी मोरे मन में। पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, हाय पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। दो घड़ी सुन लो जरा प्यार के अफसाने को, हाय पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। कैसे
के बदले में तैयार हूँ मर जाने को। हाय पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। लाला कैस, लाला हाय कैस। उल्फत का जब मजा है के वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। लला कैस, लला हाय कैस। दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है, दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है। सब कुछ हार के झोली पसार के प्यार की भीख लेने आज ललाई है। दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है, दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है। हो जाए जो मजनू मेरा क्या बिगड़े, हंसा दे मेरा प्यार की भीख लेने आज ललाई है। दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है, दुनिया वालों तुम्हें प्यार की दुहाई है। लेकिन ये बेरहम जमाना दिल वालों की बात न माना, पर लैला मजनू दोनों मर गए, मर के भी वो नाम तो कर गए। जो नहीं मिलते इस जहान में मिल जाते हैं आसमान में। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही है? घर तबाह हो गया। अरे बोलती क्यों नहीं माँ, काहे को रो रही है? क्या बताऊँ मेरे लाल, तेरे बाप ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। अरे हम कहीं के ना रहे। अरे ओ भगवान, क्यों रो रही है? अभी तो मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तो जी भर के रोना। बोल तुझे क्या चाहिए, नई साड़ी चाहिए? अरे अरे माँ, रोती क्यों है? तुझे नई साड़ी चाहिए ना, मेरे पास कितनी साड़ियाँ पड़ी हैं, उसमें से एक ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो फिर मेरी जान चाहिए क्या? अरे तुम ऐसे होते तो रोना ही किस बात का था, जवानी तो भले मनसों की तरह गुजार ली और अब बुढ़ापे में तुम पर जो बन आया शर्म नहीं आती? अरे क्या बकबक कर रही है, मुझे पता भी चले मैंने किया क्या है। याद रख, बोलेगी नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगा अभी। क्या हुआ, क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मर्द होके माँ के ऊपर हिजड़ों की तरह हाथ उठाते हो। अरे आग लगे इस घर में, और सत्यानाश हो तेरे बाप का और इसके बाप के बाप का। कसम बाप की, मेरे बाप को कुछ ना कहो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को कुछ कह दूंगा। कहूंगी। कहेगी? हाँ कहूंगी, मैं कोई बेला थोड़ी जो डरूंगी। जिसका इतना जवान बेटा हो उसे डरने की क्या जरूरत है? अबे ओ चंपक लाल, अकल के कच्चे, जिंदगी में सिर्फ एक गलती हुई है मुझसे, वो ये कि जो मैंने तेरी माँ से शादी कर ली। मैं गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ। अरे गलती तो मैंने की, जो आदमी की गधा इस गधे से शादी कर ली। मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख हूँ, मूर्ख। अरे किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मैं गलती से तुम दोनों के यहाँ जन्म लिया है। मैं गलती हूँ, गलती हूँ, गलती हूँ, गलती हूँ। तू जी मैला कर बेटा, मैं तो तेरे बाप से ये पूछना चाहती हूँ कि ये प्रेम पत्र मेरे किस स्वतंत्र से लिखा है? अरे ओ प्रेम पत्र की औलाद, दिखा मुझे, खाम खा चिल्ला रही है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे आकर फौरन यहाँ से ले जाओ। मेरे कसम पर डोरे डालकर अब इस घर पे हक जमाना चाहती है। याद रखो, अगर वो यहाँ आई तो मैं उस चुड़ैल का तुम्हारा गोलों का खून पी जाऊंगी। अरे जबान बंद कर, मुंह बंद कर, मैं कहता हूँ। अरे मुंह बंद कर। अबे गधे, माँ का नहीं बाप का मुंह बंद कर। अरे चल हट। अरे तू मूर्ख की मूर्ख ही रही, ये तो मेरे स्वर्गवासी भाई की धर्मपत्नी लता की चिट्ठी है। ओ, उसे हमारी याद कैसे आ गई? क्या शेर याद आया मुझे, तेरी याद आई है तेरे जाने के बाद। चाची आएगी, चाची आएगी। अच्छा है, आने दो, उसके पास बहुत सा जेवर है और घर का काम काज भी करेगी। वाह वाह वाह,
लता, तुम्हारे ससुराल से खत आया है, तुम्हारे जेठ तुम्हें लेने आ रहे हैं। लेकिन इतने बरसों के बाद उन्हें तुम्हारा ख्याल कैसे आ गया? नहीं नहीं, मैं उन्हें लिख दूंगा, तुम नहीं आ सकती। नहीं जी चाची, मुझे जाने दीजिए। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं, मुझे तो यहाँ हर किस्म का आराम है। लेकिन मैंने खुद उन्हें चिट्ठी लिखी थी, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए किसने कहा था? क्यों शांता, तुमसे इसने पूछा था? देखिए, आखिर एक न एक रोज तो इसे वहां जाना ही था। अब इसने इरादा कर लिया है तो जाने दीजिए। हाँ जी चाची, मुझे खुशी खुशी रुखसत कर दीजिए। जी तो नहीं मानता, पर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। कुछ भी हो, अब मैं उस घर में कदम रखने को तैयार नहीं। जरा ठंडे दिल से बात करो तारा, आखिर हमारा अपना घर। घर होगा आपके भाई साहब और भाभी साहिबा का, हमें कौन पूछता है वहाँ। तारा, ये चिल्ला चिल्ली क्या हो रही है तारा? अपने ससुराल का रोना रो रही हूँ भैया। ओ रोना है तो रो चुपके चुपके, आंसू तो बहे आवाज ना हो। माय डियर जीजा जी, भाई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन बहन के आंसुओं को नहीं देख सकता। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप भाई और भाभी के लिए अपनी बीवी की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। लेकिन जीवन, मैं कर भी क्या सकता हूँ? अरे भाई साहब, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आप नाम से तो वकील हैं, लेकिन आदमी बड़े असील हैं। और अगर आपके कानों में मैल न हो तो जरा सुनिए, मैं कल सुबह आपके भाई साहब से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, और मेरी वापसी पर आपको पता चलेगा कि इंसान हर मुश्किल को बड़ी सुलह सफाई से आसान बना सकता है। लेकिन तुम करोगी क्या जो आप आज तक नहीं कर सके? न मरेगी भैंस न टूटेगी लाठी, कहिए आपको मंजूर है? मुझे क्या इनकार हो सकता है? भैया तुम इनकी बातों पर ना जाना, इनसे कागज पर लिखवा लो कि तुम इनकी तरफ से भाई साहब से फैसला कर सकते। देखा वकील साहब, वकालत तो आपने पास की और प्रैक्टिस आपकी बीवी ने शुरू कर दी। तेरा जवाब नहीं है तारा, क्या अंग्रेजी नुक्ता निकाला है। खैर तू घबरा मत, मैं जाकर सारा मामला साफ कर दूंगा। भाई साहब, इस मामले में अंग्रेजों का जवाब नहीं। इधर लड़के की शादी हुई, लड़का जट से निकला और बाप ने ताबड़तोप लड़के को घर से अलहदा कर। उसके बाद कभी लड़के का जी चाहा तो बाप को गुड मॉर्निंग कहने चला गया, और कभी बुड्ढे का जी चाहा तो बहू और बेटे को हाउ डू यू डू कहने चला गया। मैं भी ये सब कुछ जानता हूँ। तो फिर जानते बूझते आप अनजान क्यों बने बैठे हैं भाई साहब? अनजान तो नहीं, पर उलझे जरूर गया। भाई साहब, आपकी उलझनों का तो सीधा साधा हल मेरे पास मौजूद है। जितनी जल्दी हो सके घर बारों कारोबार का चार बराबर हिस्सों में बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? जी हाँ भाई साहब, यानी अंग्रेजी में पार्टीशन। इससे अच्छी राय कोई बड़े से बड़ा वकील आपको नहीं दे सकता। अगर आज डैडी यहाँ होते तो मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो भी आपको यही मशवरा देते। आप इस नुस्खे पर जरूर अमल कीजिए भाई साहब, वरना ये दुनिया दुनिया है, यहाँ बाप बेटे में नहीं बनती तो बेचारे भाई किस बाप की मूली है। मैं कहता हूँ एक दिन ये फसाद जरूर पैदा होगा, और पैदा होकर बड़ा होगा, और उसके बाद आधी जिंदगी स्मॉल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुजर जाएगी। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मेरे भाइयों को कचहरी तक नहीं जाना पड़ेगा। रमेश को अपना हिस्सा चाहिए ना। बस भाई साहब, आपने नुक्ता पकड़ लिया। अच्छा जीवन, रमेश जो चाहता है वही होगा। मैं जिंदगी में आज तक किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बना और ना बनू, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा भाई इतनी जल्दी मुझसे अलग होने के लिए तकाजा करे। और फिर मैं तो आपको अपने घर का समझ के मशवरा दे रहा हूं, वरना मुझे पराये की हांडी में कड़छा घुमाने की आदत नहीं है। सुनो जीवन, तुम रमेश से कह देना वो बड़ी खुशी से अलग हो सकता है, लेकिन ये जायदाद का बंटवारा होगा, दिलों का बंटवारा नहीं है। रतनलाल अपने भाइयों के लिए अपनी जान तक दे सकता है। आप सब जरा गौर से सुनिए, वो फर्म जो रतनलाल एंड ब्रदर्स के नाम से बंगलोर में कपड़े का व्यापार करती है, आज के बाद वो रतनलाल की जाती मलकियत नहीं बल्कि चारों भाइयों की, जिनका नाम रतनलाल, रमेश,
राजन और बलदेव है, मुश्तरका जायदाद होगी। दूसरा भाई जिसका नाम रमेश है, वो बदस्तूर कारोबार संभालेगा। हर बरस के खात्मे पर वो अपने बाकी भाइयों को फर्म के नफे नुकसान की गवर्नमेंट के ऑडिटर से तस्दीक शुदा रिपोर्ट देगा। मैसूर में जो बंगला आज तक रतनलाल के नाम पर है, वो आज से सिर्फ रमेश, राजन और बलदेव की मुश्तरका जायदाद समझा जाएगा, और इस पर रतनलाल का कोई हक नहीं होगा। मैं रतनलाल, जो रमेश, राजन और बलदेव का बड़ा भाई हूँ, सिर्फ अपने गांव के आबाई मकान का मालिक हूँ। भैया, एक गलती है इसमें। क्या है पिलू? जब आप सब कुछ छोड़कर गांव वाले मकान में रहने जा रहे हैं, तो मेरा हिस्सा शहर वाले मकान में क्यों रखते हैं भैया? भैया मुझे अपने साथ ले चलिए, शहर का मकान राजन भैया और रमेश भैया को दे दीजिए। बिल्लू, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गांव वाला मकान में जरूर अपने लिए रख रहा हूँ, लेकिन है तो वो भी तुम्हारा ही, जब चाहो वहां कर रह सकते हो। हाँ भाई साहब, कसम अंग्रेज की, जिसे शहर की हवा माफिक ना आए वो गाँव चला जाए। हाँ, वो बाकी का हिस्सा भी जल्दी से पढ़ दीजिए, बेचारे रजिस्ट्रार साहब बैठे बैठे सूख रहे हैं। और पढ़ने को रही क्या गया है? रमेश की जगह तुमने दस्तखत कर दिए हैं, और राजन की गैरहाजिरी में मंगला ने सब कुछ सुन लिया है। घर वालों की तसल्ली हो गई, अब दो एक दिन में शहर वाले भी सब कुछ सुन लेंगे। बहरहाल, हम चारों भाइयों ने अपनी खुशी से इस जायदाद का बंटवारा किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जायदाद के बट्टे हमारा आपस का प्यार ही तकसीम हो गया। जीवन, दिल टूट जाया करते हैं, बटते नहीं। रे पंछी चल उड़ जा, रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, दिन का चुन कर नगरी एक बसाई। तूने दिन का चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें, धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से, दे कर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। हे राम, कहां महलों से निकाल कर कीचड़ में ला मारा है। बुरा हो उन पापियों का जिन्होंने इस नरक में डाला है। ऐसा ना कहो फूफी, आज हम सब बिछड़ गए हैं तो क्या, कल मिल जाएंगे। तुम अंदर जाओ, मैं कपड़े धो देती हूँ। दीदी, मैं भी कमी बैठी क्या कर रही हूँ, थोड़े से तो कपड़े हैं, नदी पर जाकर धो लाती हूँ। फूफी, तुम अंदर जाओ, मैंने तुम्हारी पूजा का सब सामान तैयार कर दिया। ना बेटी ना, अब तो पूजा से भी जी भर गया, भगवान के घर में भी न्याय नहीं। सपने में राजा जागे तो फकीर, सपने में राजा जागे तो फकीर। डैडी, इसका मतलब क्या होता है?
मतलब दूर क्यों जाते हो? मुझी को देख लो, ये मेरी ही तो कहानी है। ढाई सौ रुपए महीने बस, ये तो पान सिगरेट का खर्चा हुआ, लेकिन ऊपर से तो कुछ आमदनी हो जाती होगी। जी नहीं, हम जिसका नमक खाते हैं उसकी नमक हरामी नहीं करते। कसम अंग्रेज की, आप पक्के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अब मुझे आपकी खिदमत की जरूरत नहीं। आप अपना हिसाब कर लीजिए और घर जाकर बच्चों की देखभाल कीजिए। जी शुक्रिया जनाब, ने जो ही सोम में कदम रखा मैंने अपना हिसाब चुकता कर लिया था। आपका इसमें शरीफ? मैं यहाँ का असिस्टेंट अकाउंटेंट। ये तो आपकी सूरत से मालूम होता है, मगर मैंने आपका नाम पूछा। मेरा नाम ढोंगीलाल है। ढोंगीलाल? नाम के ही ढोंगी हो या काम के भी? सरकार आपका खादिम हूँ, कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब। यार एक बात तो बताओ, हमारे फर्म का बैंक बैलेंस क्या है? जी 3 लाख के करीब है। अच्छा अच्छा, तो आज ही 2 लाख रुपया रतनलाल ब्रदर्स के अकाउंट से निकाल कर रमेश एंड कंपनी के अकाउंट में डाल दो। हुजूर 2 लाख तो 3 लाख ही डाल देता हूँ। अरे कसम अंग्रेज की, तुम तो बड़े हाई क्लास आदमी हो मिस्टर ढोंगी, आज से तुम हमारे सेक्रेटरी। शुक्रिया सरकार, लेकिन आपको एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत भी होगी। जरूर जरूर। बड़ी अच्छी बात कही है तुमने। कसम अंग्रेज की, कल तक इस घर में वो शोर शराबा था कि खुद अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देती थी, और आज कितनी खामोशी है, शांति, पीस, साइलेंस। हेलो मंगला, कहो कैसी हो? अच्छी हूँ भैया। मुझे बहुत खुशी है मंगला कि आज इस घर की मालकिन सिर्फ तुम। दरअसल ये घर तुम जैसे लोगों को ही शोभा देता है। दिन रात गज पकड़कर कपड़ा बेचने वालों के लिए ये बंगले नहीं होते। भैया जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी मेहरबानी ही तो है। मेहरबानी अंग्रेज की, बंदा किस काबिल है। मंगला मैंने सोचा है कि इस फर्म के कारोबार को इससे भी बढ़कर 4 चांद लगा दूं। रमेश को मेरा ये मशवरा बहुत पसंद है। राजन की तरफ से तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो। ये लो, मामूली सी फॉर्मेलिटी है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जरूर भैया। हाँ यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सेवा अपना ढंग बनाए। ये बेंगलोर से खत आया। रमेश ने अपनी दुकान खोली है, रतन एंड ब्रदर का दिवाला निकल चुका है। दिवाला? भैया भैया भैया, भाभी बिल्लू जरा पानी चला दे। राम कला करना, हुआ क्या था बिल्लू? ये खत देख लो भाभी, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। हमारी क्लर्क ने लिखा है रमेश भैया और जीवन ने मिलकर दुकान का दिवाला निकाल दिया। क्या चंदार कहेंगे? चुप भी करो फूफी। अब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हे भगवान, ये कैसे है? बरसों की मेहनत पर पानी। तुम चिंता ना करो भैया, मैं एक एक को देख लूंगा। मैं आज ही पेन्नौर जाकर रमेश और जीवन दोनों को जेल की आवाना खिलवाऊं तो मेरा नाम भी बिल्लू नहीं। ऐसा ना कहो बिल्लू, इसमें रमेश का क्या कसूर? दिन ही बदल गए हैं आपने। सब अपने आप ठीक हो जाएगा, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है। लेकिन कोई रात ऐसी भी होती है जिसका दिन नहीं निकलता। खैर मैं चलता हूँ। ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो बेटा? फूफी, दुकान का दिवाला निकल जाना कोई मामूली बात नहीं। न जाने कितने कर्जखा दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके पास। ये फिक्र क्यों करते हैं आप? मैं आपको रुपया दूंगी। तुम कहाँ से लाओगी? आप तो किसी को चीज देकर भूल ही जाते हैं। आपका दिया हुआ जेवर जो मेरे पास है। शांता,
फिर गया तुम्हारा क्या? दुकान का कर्ज उतारने के लिए तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी बाहें, तुम्हारे कान नोच डालूं? कानों में लगाने के लिए भगवान ने फूल जो बनाए हैं, और गर्दन के लिए काले धागे का मंगलसूत्र जो है, और हाथ तो कामकाज के लिए होते हैं, इससे ज्यादा औरत को जेवर की जरूरत भी क्या है? ये लीजिए और अपने सर से कर्ज की गठरी उतार कर खुशी खुशी घर आइए। लीजिए ना ये बेटा, ये भी ले। क्या करती हो? अच्छा चिंता ना करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अब रतन बाबू का इस दुकान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये रमेश एंड कंपनी है जिसका ताजा ताजा दिवाला निकला है। अगर आप लोगों को अपना हिसाब साफ करना है तो इस फर्म का ये बचा कुचा फर्नीचर उठाकर ले जाइए। देखिए बचे कुचे कपड़े हैं, टाइपराइटर है, कलमदान है, और कितनी उमदा तस्वीर है। 100 बरस के बाद बेचिएगा तो क्यूरियो के दाम बिकेगी। है कोई इसका खरीदार? तस्वीर को सर आंखों पर बिठाने वाला कि मरा नहीं। नमस्ते बाबू। नमस्ते भाई साहब। देखिए आपके जाते ही इस फर्म का क्या हाल हुआ। जीवन बाबू ने हम सबका रुपया मारकर अपना घर भर लिया है। घबराइए नहीं भाई साहब, ये मेरे छोटे भाई रमेश की दुकान है और छोटे भाई का कर्ज बढ़ा भी चुका सकता है। ठीक है ना लोंगी लाल जी? ये लो रुपया, जिसका जो हिसाब बनता है चुका। जीवन जी भाई साहब, रमेश कहाँ है? वो तो मेरी बहन यानी अपनी बीवी के साथ ऊटा कमन पहाड़ की सैर को गया है। अच्छा जी हाँ, सोचा था आया हूं तो मिलता जाऊं। लौटे तो कह देना रतनलाल है। अच्छी बात। जिंदगी के राह में हर कोई कदम कदम से मस्त है, देखता चला। राजन तुम्हें कोई तलाश कर रहा था। कौन है? कोई औरत है बेचारी। औरत? हाँ। अच्छा अब औरतों ने भी हमारी तलाश शुरू कर दिया। लेडी लेडी, अरे यहाँ किसे पुकार रहा है? वहाँ बैठी है वेटिंग रूम में। हाँ वेटिंग रूम में। ओके Then wait, please wait. Hey. भाभी, भाभी, तुम यहाँ? शुक्र है कि तुमने इस हालत में मुझे पहचान तो लिया। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हारी शोहरत के इतने चर्चे सुने कि विश्वास ना आया, सोचा खुद अपने आंखों जाकर देखा हूँ। लेकिन भाभी इतने दूर इस अंधेरे में तुम कैसे आई? किस अंधेरे की बात कर रहे हो? मैं उस अंधेरे से नहीं डरती जिसके आड़ में डाकू मुसाफिरों का खून कर डालते हैं, चोर लोगों की नींद से फायदा उठाकर उनके घर लूट लेते हैं। मैं डरती हूँ तो सिर्फ इस अंधेरे से जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। भाभी मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को, मेरे दिल में इतना दर्द था, मुझे इस दर्द को दबाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ा। हर शराबी अपने आप को धोखा देने के लिए यही कहता है। नशा वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, जो जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिनमें सोचने की ताकत नहीं होती, जो उजाले से आंख चुराते हैं और उजाले को भूलने के लिए अपने आंखों पर एक झूठी पट्टी बांध लेते हैं, फिर उनको इतनी भी तमीज नहीं रहती। ये मेरी माँ है, ये बीवी है, ये बच्चा है, ये बहन है, इसी जहर को तुम दवा समझ कर पी रहे हो। कह जाओ भाभी कह जाओ, गंदे फोड़े को जब तक चाकू से चीरा न जाए उसकी गंदगी नहीं निकलती। देखो राजन, ये तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे भाई का बच्चा। क्या तुम ये चाहते हो कि ये बच्चा जब स्कूल जाए तो लड़के इसे ये कहकर छेड़े कि ये उस शराबी चचा का भतीजा है जिसने अपने घर की मर्यादा को एक बोतल भर पानी में डुबो दिया? क्या तुम ये देख सकोगे कि ये भी बड़ा होकर इसी बदबू को फैलाए जो आज तुम्हारे मुंह से आ रही है? क्या तुम्हारे भाई और तुम्हारे फूफे ने जान मार मार कर इसीलिए तुम्हें बड़ा किया था? भाभी, राजन अगर शराब पीना है तो चलो चलो मेरे साथ घर चलकर अपने भाई के सामने पियो, मैं अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊंगी,
लेकिन इसके बाद हम सबको अपने हाथों जहर देकर मौत की नींद सुला देना। भाभी मैं सौगंध खाता हूँ अपने देवता जैसे भाई की सौगंध। जिस औरत के रूप में तुम जैसी देवी मिली है मैं इस चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो फिर मेरे साथ घर चलो अपने भैया से मिलो। नहीं भाभी मैं इस हालत में उस भाई के सामने नहीं जाऊंगा जो रोशनी का एक मीनार है। अंधेरा रोशनी से कैसे आंखें मिला सकता है भाभी। अपने दिल को मजबूत बनाओ राजन भैया तुम्हें ठुकरा तो नहीं देंगे। नहीं भाभी मुझे मजबूर न करो। मैं जिस बुलंदी से गिरा हूँ जब तक वहाँ वापस न पहुँच जाऊँ भैया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझ जैसा गिरा हुआ आदमी कभी उस भाई के सामने नहीं जाएगा जो अपने रास्ते का फूल दूसरों को देकर खुद का दोष स्वीकार कर लेता है। राजन भाई आखिर भाई होता है। देखिए ना बरसों के बाद जब लता का खत मुझे मिला तो सबसे पहले मुझे अपने स्वर्गवासी भाई की याद आई और मेरी बीवी वो तो इस तरह फूट फूट कर रोने लगी जैसे ये कल की बात है। ठीक कहते हैं आप लता ही ने जिद की वरना हम तो इसे भेजने के लिए तैयार ही न थे। क्यों जी ये क्या बात कह रहे हैं आप मेरा घर लता का घर नहीं है क्या। आप भी कमाल करते हैं वहाँ किस चीज की कमी है। नौकर चाकर गाय भैंस दूध मक्खन हर चीज मौजूद है वहाँ तो। देखिए एक बात याद आई है वो ये कि लता के कुछ जेवर वेवर भी थे। चिंता ना कीजिए लता जो कुछ भी लेकर आई थी सब उसी के पास। कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं तो ऐसे पूछ रहा था आदत से मजबूर हूँ। चल लता बैठ खटारे में। फूफी मैं जा रही हूँ। भगवान तेरी उम्र लंबी करे बेटी। जीने की आशीष क्यों देती हो फूफी रखा क्या है इस जीने में। दीदी दीदी लता बड़ी मुद्दत के बाद तुमसे बिछड़ रही हूँ। कभी कभी मुझे याद कर लिया करना। अरे पगली सदा के लिए थोड़ा ही जा रही हूँ आना जाना तो लगा ही रहेगा। नहीं दीदी इतना तो ससुराली में बनी लगती। अरे अब छोड़ भी इस राम कहानी को स्टेशन यहाँ से 2 कोस दूर है और रेल का बम्बा अपने बाप का नहीं तो इंतजार करेगा। चल रही हूँ जी। बल्दे अब मैं जा रही हूँ। अब न कोई तुझे छेड़ेगा और न तू दीदी से किसी की शिकायत करेगा। कभी खेल कूद में अगर मैंने भूल चूक से तुझे कुछ कह दिया होगा तो मुझे माफ कर देना। और देख अपनी शादी में मुझे बुलाना मत भूलना। चल उड़ जा चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे
कौन भला उस बाग को पूछे हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भैया तो आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं तो तूने ठान ही लिया बंबई ही में रहकर नौकरी करेगा। रमेश बंगलोर में है और राजन का तो कुछ पता ही नहीं। लोग कहते हैं फौज में भर्ती होकर कहीं समंदर पार चला गया। मरते वक्त पिताजी को वचन दिया था तुम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाओ। रमेश और राजन तो कुछ ना कुछ बन गए पर तेरे मामले में मेरी हार हुई बिलू। मैं इस जन्म में जो हूं सो हूं भैया। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि भगवान मुझे अगले जन्म में खटमल बनाए ताकि मैं उस जीवन के बिस्तर में घुसकर उसे रात भर काटता रहूं। बिलू भैया तो चलने की तैयारी हो गई? हाँ भाभी। ये ले सत्तू बनाए हैं तेरे लिए। रास्ते में भूख लगे तो पानी में घोल कर पी लेना। और सुन बम्बई की गाड़ी तो तू बेंगलोर से ही बदलेगा। ये अचार के शीशे और चूसनी लेता जा तारा बहन को देते जाना। नहीं भाभी मैं उन लोगों का मुंह भी देखना नहीं चाहता। नहीं बिल्लू ऐसी बातें नहीं किया करते। अपनों से कोई गलती भी हो जाए तो अपने पल्ले नहीं बांध लेते। मेरा दिल वहां जाने को नहीं मानता लेकिन तुम कह जाऊंगा। और देख बिल्लू तारा बहन से कहना कि खबर भेजने में हमें न करें। मैं और तुम्हारे भैया खबर मिलते ही अपने भतीजे को देख। देख बेटा गाड़ी में कहीं आंख न लग जाए। बड़ा बुरा जमाना है। हाँ और खिड़की से बाहर न झांकना कोयला बेला पड़ जाता है। फूफी तुम तो मुझे अभी तक दूध पीता बच्चा समझती हो। अरे मेरे लिए तू तो क्या रतन भी दूध पीता बच्चा है। अच्छा भैया नमस्ते। भाभी भाभी जवाब ही नहीं देता। भूतों का मकान जो ठहरा। भूत कहां नजर आते हैं? बरफरदार ये मकान है कब्रस्तान नहीं है जहां तुम भूतों को तलाश कर रहे हो। ओ तुम नहीं आप। हाँ ठीक है भाभी कहां है? वो यहां नहीं है। और भैया? वो भी यहां नहीं। तो गए कहां है? मैं तुम्हारे भैया का सेक्रेटरी नहीं हूं। कहो यहां कैसे आ गए? मैं मैसूर से आ रहा हूं। बड़ी भाभी ने तुम्हारी बहन के लिए ये चीजें भेजी।
जेठानी ने देरानी के लिए इतने कीमती तोहफे भेजे हैं। मुंह में ना डालिएगा, ये आपके होने वाले भांजे के लिए, और ये है आम का अचार। हे लड़के, इस घर में कोई अचार वचार नहीं खाता। पिकल तो खाते होंगे, ये पिकल है, पिकल। कसम अंग्रेज की, किस हिंदुस्तानी से पाला पड़ा है। दरबान, दरबान को क्यों बुलाते हो? शायद अभी तक मुझे बच्चा ही समझते हो। हा? मिस्टर, मेरी मूछें अभी अच्छी तरह नहीं निकली, लेकिन ताव देना अभी से शुरू कर दिया है। हे बिल्लू, तू मेरा मिजाज नहीं जानता है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी खैर नहीं। हाँ, जब गुस्सा आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अभी तुम ये चीजें रखो, जब तुम्हारी बहन आए दे देना, और कह देना मैं नौकरी के लिए बंबई जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन और तुम्हारे वकील बहनोई के दिल में मेरे रतन भैया के लिए जरा भी इज्जत है तो कभी कभार जाकर मिल तो आया करे। बस यही संदेशा है या कुछ और भी कहना है? हाँ, एक बात और भी। जल्दी कहो। और जो ही तुम्हारी बहन के यहाँ बाल बच्चा हो, भैया को 3 पैसे का खत जरूर डाल देना। चलो कन्नी, 1 पैसा तुम रख लेना। आई मीन कीप द चेंज। थैंक यू। गेट आउट, चेक अप। अरे ओ नैन तारा, धान इस पर फूट रही है तो खाना कौन से साल में पकेगा? बहन, रात मुझे बुखार हो गया था, उठने में जरा देर हो गई। महारानी जी, आंसू किसे दिखा रही हो? अजी ओ, जरा इधर आकर इसके लक्षण तो देखना। माँ, मुझे बुलाया? अबे ओ गधे, तुझे नहीं। हाँ जी, क्यों जी, क्या गड़बड़ है? अजी, गड़बड़ क्या होनी है, इस महारानी को देखो, जैसे इसकी बहन 3 दफा सोने की थाली में खाना परोस के खिलाती थी। इस बेचारी से हमारे घर का कामकाज नहीं होता। अरे भाग्यवान, किस बहन का नाम ले लिया तूने निर्दयी का, जिसने अभी तक इसको इतने दिन हो गए कुछ चिट्ठी पत्र तक नहीं भेजा। माँ, माँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, तुम लोग बातें ही करते जाते हो, मेरी कोई फिक्र भी नहीं करता है। अबे ओ अकल के कच्चे, तू उस बाप का बेटा है जो अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया था, और तू रोटी के लिए रो रहा है? जा अंदर जा, घर में मुरमुरे रखे हैं, हम गुड़ मिलाकर खा ले। नहीं 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 नहीं, परसों भी मुझे भूख लगी थी तो आपने कहा था मुरमुरे और गुड़ खाने के लिए, मैंने खाया और मुझे जुलाब लग गया। चुप रह, सब कान खोल के सुन लो, इस महारानी को बुखार चढ़ा हुआ है, आज इस घर में सबको व्रत रखना पड़ेगा। अरे चाची, तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है? माँ, तुम्हें तो बुखार नहीं चढ़ा, तुम आज खाना पका लेना। चाची जाओ, तुम आराम से सो जाओ, मेरी फिक्र मत करो, आज मैं मूंगफली खाकर भीमसेन का पाठ अदा करूंगा। अबे ओ बेवकूफ के बच्चे, बोलिए। इसने कल घर में कदम रखा है और तू मेरी जगह इसकी हिमायत कर रहा है? अबे ओ नदीदे, शर्म नहीं आती माँ के सामने बोलते हुए? है? ये हाथ माँ के लिए। मैं कहता हूँ, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे, बिल्ली ने शेर को पढ़ाया और शेर बिल्ली को खाने आया। तो मेरे बेटे को हाथ लगाया। ये सब इस चुड़ैल की शरारत है, वहाँ अपनी बहन के छोटे देवर से आंखें लगाती थी, यहाँ मेरे लाडले को फुसला रही है। बस बस बहन, ऐसा ना कहो, झूठ बोलने वाले को भगवान रोटी नहीं देता। झूठ बोलने वाले को भगवान रोटी नहीं देता। चाची 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 चाची, बहुत लगा। अरे खून, अरे खून। ए माँ, तू गंगा जल हाथ में लेके कसम खा कि तू मेरी माँ है या नहीं। ए बाप, तू भी कसम खा कि तू मेरा बाप है या नहीं। खून, खून, कसम हो गया, खून, कत्ल। अरे चाची, पुलिस, हवलदार, अच्छा हुआ तुम आ गए, इसका खून हुआ है, ये कातिल है, ये कातिल का मददगार है, ये हथियार है, मैं गवाह हूँ, बगैर मुकदमा चलाए इन दोनों को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। नहीं हवालदार, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। हवालदार साहब, हम एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, उसमें एक सीन आता है जिसमें कि ये लड़की गिरती है, गिरकर बैठती है, बैठकर गिरती है, गिरकर लेट जाती है, फिर गिरती है, गिरकर बैठकर, बैठकर गिरती रहती है, क्या समझे? उसी सीन में एक हवालदार भी आता है। अच्छा हुआ कि आप आ गए, अब आप जा सकते हैं, क्योंकि हम बगैर टिकट के ड्रामा किसी को नहीं दिखाते, बाकी आप स्टेज पर देखिएगा। हवालदार की बात ये है कि हर दिन मेरे लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और ये अगरम शगरम पकने लगता है। अबे ओ पागल, क्यों हवालदार जी को तकलीफ दे रहा है? हवालदार जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस घर में खून होगा, कत्ल होगा, और जब होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा और आप जरूर आइएगा, लेकिन अब जा सकते हैं। वाह 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 हवालदार जी। मुन्नी की सूरत तो हूबहू तुम्हारी बड़ी जेठानी शांता जैसी है। मैंने कई बार सोचा कि शायद इस घर में नया मेहमान आने के बाद हम फिर एक बार इकट्ठे हो जाए। वो दिन अब ना आया, जब से आई हो किसी ने खबर भी ली है तुम्हारी? लड़कर तो मैं ही आई थी, वो लिखते भी तो कैसे? तारा,
कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छी हूँ। आपने शांता बहन को चिट्ठी लिख दी थी ना? हाँ हाँ, मैंने जीवन से कह दिया था। हाँ, मैंने परसों ही तार कर दिया था। है? मगर भैया, मुन्नी तो कल हुई है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुन्नी एक दिन लेट हो गई। माँ, किसका खत है? तेरे चाचा की चिट्ठी है। रमेश का खत है? नहीं, राजन का। अच्छा, ये क्या क्या लिखा है? पूज्य भाभी जी, नमस्ते। अगर उस रात आप हॉस्टल में आकर मेरी आंखों से पर्दा न हटाती तो आज मैं सारे खानदान के लिए कलंक का टीका बन गया होता। लेकिन आज मैं मिलिट्री में एक बाइज्जत डॉक्टर हूँ, अपनी आमदनी से कुछ रुपया भेज रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिएगा। और भैया से कह देना कि मेरा खून सफेद नहीं हुआ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं भैया से अलग नहीं हुआ। अपना पता इसलिए नहीं लिखा कि सरकार की तरफ से किसी को पता देने की इजाजत नहीं है। मिट्टू को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। उसके लिए फौजी लिबास में अपनी एक ताजा तस्वीर भेज रहा हूँ। माँ, जरा चाचा की फोटो मेरे को दिखाओ। ठहर मिट्टू, जरा मैं देख। अच्छा हुआ कि ये रुपए आ गए। मिट्टू की फीस तो भराइए। तुम समझती हो मैं ये रुपए अपने आप पर खर्च कर डालूंगा? अभी इतना गया गुजरा नहीं, ये रुपए राजन की इमानत है, उसके नाम से डाकखाने में जमा करा दूंगा, जब लौट कर आएगा उसके काम आएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। बोली बोली है, बोली बोली है, एक रुपया, एक रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, चार रुपया, चार रुपया, चार रुपया, पांच रुपया भाई, पांच रुपया, पांच रुपया, एक छह रुपया, छह रुपया, एक छह रुपया, एक साढ़े छह रुपया भाई, उधर साढ़े छह रुपया, सात रुपया, सात रुपया, इधर सात रुपया, एक सात रुपया, एक की धोती देखने में खूबसूरत, पहनने में मजबूत, पहले देखभाल के तत्व निकल लीजिए, पीछे डाल दीजिए, सबसे कमाल तत्व में। चलो उधर बोली लगाओ, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, ढाई रुपया, ढाई रुपया। आदावर से रतनलाल जी, भाई बहुत अफसोस है कि आपका चला चलाया कारोबार इस तरह बंद हो गया। भैया, अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं। अगर हो सके तो मुझे फेरी के लिए कुछ कपड़ा उधार दे दीजिए। उधार? और इस जमाने में? तौबा तौबा, क्या कहते हैं आप? शायद आपको याद होगा, सबसे पहले आपके अब्बा ही ने मेरी मदद की। अजी हजरत, अब्बा मियाँ का जमाना और था। अब्बा मियाँ पोना फिट लंबी दाढ़ी रखा करते, और बंदे को देखिए, हर महीने 7 o'clock ब्लेड के 3 पैकेट लगते हैं मुझे। मजबूर नहीं करता, अर्ज कर रहा। वकील साहब तो बनारस गए हुए, अगर आप चाहें तो उनके बेटे जीवन बाबू की सिफारिश चिट्ठी भी ला सकता हूँ। क्या कहा? जीवन बाबू? अजी उस फितने को तो इस दुकान पर कदम न रखने दो। एक दिन हजरत तशरीफ लाए थे, जाने के बाद पता चला कि हमारा हुक्का गुम है। सारे बर्तन तो रखे।
भगवान रक्षा करे। कोई बात नहीं माँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं? नहीं बेटा, मैं बुला के लाती हूँ। जीवन भैया, ये क्या जुल्म करते हो? तुम्हीं ने मुझे इस घर की मालकिन बनाया था और आज खुद मुझे बेघर करने आए हो। मिस मंगला, आई एम सॉरी, मिसेज राजन, दुनिया में हर चीज बसती है तो उजड़ने के लिए। इंसान चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगाए, आखिरकार इस दुनिया का अंजाम है तबाही। मैं ये कुछ नहीं समझती जीवन भैया, तुम्ही कहो कि मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इंसान जहाँ से आया है आखिर उसे वहीं जाना है। भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारा मैका अभी तक सलामत है। जीवन भैया, कुछ तो तरस खाओ, तुम देखते देखते इतनी क्यों बदल गए? लेकिन इस वक्त मजबूरी है, मंगला फर्म का दिवाला निकल चुका है, कर्ज खाहों ने ये घर कुर्क कराया है, कोर्ट का बेलिफ तुम्हारे सामने खड़ा है, बंदा सरकारी मामले में कैसे दखल दे सकता है? हाँ मिस्टर बेलिफ, आप अपना काम कीजिए और घर की एक एक चीज पर सरकारी मोहर लगा दीजिए। जो दवाई मैं लिख के दे रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, यहाँ नहीं मिलेंगी, बेंगलोर से मंगवा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये सब दवाई कितने में मिलेंगी? करीब करीब 40 रुपए खर्च हो जाएंगे। 40 रुपए? एक तो गिरने से चोट लगी है और दूसरे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दवा की फौरन जरूरत है। एक दो दिन बाद मुझे मरीज की हालत की खबर देना। क्या किया जाए फूफी, इतने रुपए कहाँ से आएंगे? हे मालिक, ये भी क्या दिन दिखाए हैं तुमने, जब घर में लक्ष्मी थी तब सेहत भी थी, बीमारी भी इन दिनों में दी, जब घर में खाने को पैसा नहीं। मालकिन। रामदास, तुम कहाँ से आ गए? मालकिन शायद आपको पता नहीं। किस बात का? जीवन बहू ने धोखे से मंगला बीवी को घर से निकाल दिया। तो कहाँ है मंगला? जी मुझे बताए बगैर कहीं चली गई, शायद अपने मायके गई हो। क्या ये बात भी इनकी बीमारी में ही होनी थी? क्या हुआ है मालिक को? देखो ना किस तरह बेसुध पड़े हैं। तो मालकिन मुझे फिर से नौकर रख लीजिए। रामदास, यहाँ तुम्हारे मालिक के लिए दवा का इंतजाम नहीं हो रहा है, तुम्हें कहाँ से तनख्वाह दूंगी? मालकिन मैंने नौकरी मांगी, तनख्वाह नहीं। लाई दवाई का नुस्खा मुझे दीजिए, मैं मालिक के लिए दवाई लेकर आ। अंग्रेजी दवा है, गांव में कहां से मिलेगी, बेंगलोर जाना होगा। तो मंगलोर कौन सा दूर है, शाम की गाड़ी से लौट आऊंगा। माँ मैं भी रामू काका के साथ बेंगलोर जाऊंगा, चाचा मुझे कब से नहीं मिले माँ। चलो मिठू। बाबूजी, बाबूजी। ओ रामदास। तुम्हारा लड़का है क्या? बाबूजी आप भूल गए, ये तो रतन बाबू का लाल है। हाँ रतन का बच्चा, कपड़े देखकर कुछ शक हुआ था। दादा बातें नहीं करो, बताओ मेरा चाचा कहाँ है? चाचा से क्या काम है? मेरे पिताजी बीमार हैं। तो फिर किसी डॉक्टर के पास जाओ, चाचा के पास क्यों आए हो? बाबूजी रतन बाबू की हालत अच्छी नहीं है, गाँव में बीमार पड़े हैं और दवा दारू के लिए पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। तुम लोग तो समझते हो कि रमेश यहाँ नोट छापने का धंधा करता है, वो बेचारा मेहनत करके आराम से दो वक्त रोटी खाता है, वो भी तुम लोग नहीं देख सकते। कहां से आ जाते हैं। ले छोकरे चने वाले खा लेना। अपने पास रख, पास गरम करके माथे पे लगा लेना। चलो रामू काका। आफरीन है उस आदमी पर
जिसने तुझ जैसी बेवकूफ और घर उजाड़ लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, मेरी ये दुर्दशा देखकर भी आप उसी की तारीफ कर रहे हैं। और क्या तेरी तारीफ करूं? बसे बसाए घर को बर्बाद करके अब तुम उससे हमदर्दी की आशा रखती है? पिताजी, याद रख जो आज से मुझे फिर कभी पिता कहकर पुकारा। तू भूल गई है लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि किस प्यार किस मोहब्बत से रतनलाल ने तुझे इस झोपड़े से उठाकर महल में बिठा दिया। चार जमात पढ़ी हुई लड़की का हाथ अपने डॉक्टर भाई के हाथ में दे दिया, लेकिन तूने उसी पेड़ की जड़ी जिसने तुझे छांव दी। भगवान ने मुझे ऐसी औलाद ही क्यों दी? इससे तो अच्छा था मैं बे औलाद होता। मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत रास्ते पर जा रही थी। तो चल अभी मेरे साथ चल और सीधा चलकर अपनी जिठानी के पांव छू ले और उससे साफ साफ कह दे कि उस हरे भरे स्वर्ग को तूने नर्क बनाया है। अगर फिर भी शांता ने तुझे माफ न किया तो पहले मैं तेरा गला घोंट डालूंगा और उसके बाद अपने आप को खत्म कर लूंगा। चल। मार पड़ गई तो इस घर की कौन देखभाल करेगा? मालकिन, रमेश बाबू से तो मिल नहीं पाया। क्या वो बेंगलोर में नहीं था? चाचा थे तो वही माँ, लेकिन वो छोटी भाभी का भैया है ना, वो एक बिल्ला बनकर दरवाजे पर बैठा था। बहुत ही गंदी गंदी बातें कहता था माँ। हाँ बेटा, बुरे हाल पर भी लोग हंसते हैं। जाओ तुम जाके खाना खा लो। नहीं माँ, मैं तो डैडी के साथ खाऊंगा। देखो मिठू, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं, इस तरह तो वो नाराज होंगे। अच्छा जाओ बेटा खाना खा लो। अच्छा माँ। रामदास, एक काम करोगे? हुक्म दो मालकिन। ये सोने की पतली सी जंजीर है, जाओ इसे बेचकर दबा ले। मालकिन, ये जंजीर तो मुन्ने के पहले जन्मदिन पर मंदिर में जाकर पहनाई थी। भगवान की आशीष को न बेचो मालकिन। अपने भगवान को बचाने के लिए ही तो इसे बेच रही हूँ। जाओ दबा लेकर शाम तक जरूर आ जाना। बहन मंगला, ये काम मत करो बहन, आखिर मेरे जेवर इस वक्त नहीं तो कब काम आएंगे? मंगला, रामू काका ये जेवर ले जाओ, इसे बेचकर जल्दी से दवा ले। जाओ ना, जाओ रामू काका। ये क्या किया तूने? मैं जानती हूँ कि एक नागिन से अमृत की आशा कोई नहीं रखता। अब मैं वो मंगला नहीं हूँ जो बसे बसाए घर को उजाड़ कर चली गई थी। मंगला, शांता बेटी, मैं तुम्हें अपने बालों की सफेदी का वास्ता देता हूँ, इसे मूर्ख समझ कर क्षमा कर दो, आखिर गवार ही तो है। आदमी न मूर्ख होता है न सियाना। रतन बाबू इतने बीमार थे तो मुझे खबर क्यों न दी? हे भगवान, इन्हें दुख भी दिया तो एक ऐसे इंसान को जिसने अपनी जिंदगी में भूलकर भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। शांता बेटी, बिल्लू कहाँ है? वो तो नौकरी के लिए बंबई गया है। समझा, तो रतन बाबू की बीमारी का किसी को पता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी सबको तार किए देता हूँ। अब तू घर के मर्दों के मुंह भी लगने लग गई है, शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की, मेरी जीजा जी बीमार है और आप लोगों ने तार छिपा लिया। शर्म तो आपको आनी चाहिए। अरे जीजा बीमार हो तो क्या हुआ, तू वहाँ जाकर क्या करेगी? तू कोई लेडी डॉक्टर है? अरे तुम्हें तो सारी उम्र अकल नहीं आएगी। ये अपने जीजे के बहाने उसके छोटे भाई से मिलने जा रही है। बहन ऐसी बातें मत करो, मुझे जरूर जाना है। अरे तुझे रोकता कौन है, लेकिन जैसी खड़ी है वैसे ही चली जा, खबरदार जो जेवरों को छुआ तक भी। अरे चाबियां देना। ऐसा नहीं होगा। ये माँ तू इसके जेवर लेके क्या करेगी, इस बुढ़ापे में पहनेगी? अबे ओ बहरूपिये की औलाद, जेवर अपने लिए नहीं तेरी बीवी के लिए ले रही हूँ। क्या बात करती है, कोई अंधा बाप ही होगा जो अपनी लड़की की शादी मुझसे कराएगा। वाह वाह वाह, जियो बेटा, ये पहली बार जिंदगी में तुमने सच बोला है। अबे ओ गधे, अगर तू इसी तरह बेवकूफ रहेगा ना तो सारी उम्र कुमारा रहेगा। कोई परवाह नहीं चाची, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। अबे ओ
मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के छत पे सूखने डाल दूंगी। कोई बात नहीं, मैं बगैर चमड़ी के चाची के जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। माँ तुम चुप रहो, अब जमाना बदल गया है, मैं नाटक में हीरो बनने वाला हूँ और अपने बुड्ढे बाप से भी नहीं डरूंगा। अरे ओ गधे, क्या कहा मुझे बुड्ढा? कहा बुड्ढा तेरा बाप, तेरे बाप का बाप। हट जाओ बीच में से तुम, हट जाओ पलासी के मेरे राम। हट जाओ तुम भी, हट जाओ। दोनों हाथ हो जाए फिर, हो जाए हो जाए। अबे ठहर, तुमने तलवार तेज कर लिया, मुझे जरा ये भी तेज करने दे। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जियो मेरे लाल, जीते रहो बेटा। आज मुझे पता चला कि तू वाकई मेरा बेटा है। अच्छा हुआ आज आपको पता चल गया। वरना मैं, अरे अरे मुझे पता है, मगर मेरे बेटे हाथी का बेटा बंदर्री होगा तो क्या होगा? क्या कहा? मैंने कहा कि हाथी का बेटा हाथी ही होगा। ये देखो मेरे लाल, आज से तू इस घर का मालिक, आज से तेरा ही हुक्म चलेगा। मगर ये तलवार छोड़ दे जरा, आप ले लीजिए। आइए चाची, मैं आपके जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। जीजा जी, जीजा जी, मैं अब यही रहा करूंगी जीजा जी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी जीजा जी। घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर कह गया है तो चार दिन में ठीक हो जाएगा। लता बहन, लता बोले, सामान उतारो। चाचा जी, अरे बिल्लू तुम, मैं रतनलाल की बीमारी का सुनकर बनारस से आ रहा हूँ। अब कैसी हालत है जी? गांव से तारा आया था भैया की सेहत अब पहले से ज्यादा गिर गई है। तो क्या तुम गांव में नहीं रहते? जी नहीं, मैं बंबई में नौकरी करता हूँ, भैया की बीमारी का सुनकर आया हूँ। समझा, अच्छा चलो मेरे साथ। बोले कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ये घर क्या जहन्नम से कम है? जहन्नम तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग है। देखिए, जब से मैं यहाँ आई हूँ आप मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मुझसे आपको नफरत है, लेकिन मुन्नी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप शाम होते ही कपड़े बदलने चले आते हैं और रात भर कहीं बाहर गुम रहते हैं। तो तुम ये चाहती हो कि मैं दिन भर का थक्का मांदा इस घर में आकर तुम्हारे भाई से अंग्रेजी के नुस्खे सुनूं? तुम्हारे भाई के चक्कर में आकर मैंने अपना सत्यानाश कर लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज मुझे अपनी बीवी से आंख चुरानी पड़ती, अपनी बच्ची को जी भर के प्यार नहीं कर सकता। घर होते हुए मुझे रातें रेलवे प्लेटफॉर्म के बेंचों पर गुजारनी पड़ती। भाई साहब, इससे अच्छा था कि आप रेलवे में भर्ती हो जाते। भैया, तुम्हें घायल करके जख्मों पर नमक छिड़कना खूब आता है। सुन लिया मिसेस जीवन? ऐसा बेजबान भाई किस बहन को मिलेगा? अजीब बेजबान भी और बेसरो सामान भी। अपनी तो किस्मत में ही ये लिखा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। देखो तारा, जिस भाई ने रात दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए अंग्रेजी नुस्खे इजाद किए, आज उसी भाई का शुक्रिया तुम इस कड़वी जबान से अदा कर रही हो। काश मुझे मौत आ जाती तो आज मैं ये दिन न देखता। सूर तो मेरा है जिसने तुम्हारे जैसी औलाद का पैदा होते ही गला ना घोट दिया। दादी आप आ गए? हाँ तो गया हूँ, लेकिन आकर देखा क्या है मैंने? अपने हरे भरे संसार को उजाड़ कर तुम मैके में बैठी हो। तारा, क्या तुम भी इस शैतान की बातों में आ गई? बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। बहन और भाई ने मिलकर मेरा नाम खूब रोशन किया। मिस्टर जीवन, आप गर्दन लटकाए क्यों खड़े हैं? मैं तो डैडी, अरे कमबख्त, किसी का घर ही बर्बाद करना था तो किसी गैर का करता, अपनी बहन के ही सुख में आग लगा दी। डैडी मैं बिल्कुल मासूम हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। खामोश, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। रतनलाल इस कदर बीमार है और तुम में से कोई उसकी खबर तक लेने नहीं गया। डैडी आप भी कमाल करते हैं, मुझे क्या बैठे बैठाए ख्वाब आ जाता कि रतनलाल बीमार है। तो क्या मिट्टू तुमसे यहाँ मिलने नहीं आया था? कौन कहता है डैडी, ये लोग तो मुझे भोला भाला समझकर। झूठा नालायक बिल्लू, भैया तुम यही हो? बड़े भैया बीमार है, तुम गांव क्यों नहीं गए? मिट्टू तुमसे मिलने भी आया था, लेकिन इस अंग्रेजी बीमारी ने तुम्हें उससे मिलने भी नहीं दिया। बोलो बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? जी हाँ डैडी,
मिठू एक बार यहाँ आया जरूर था। और तुमने उन नन्ही सी जान को धुतकार कर निकाल दिया। तारा को उसके आने की खबर तक न दी। जी हाँ डैडी, मैं भूल गया। एक दिन तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। सारे फसाद के जड़ तुम हो। आओ मेरे साथ। डैडी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो शांता बहन की गुनहगार हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मेरा रतन ठीक हो जाएगा ना? मैं अभी इंजेक्शन देकर देखता हूँ। लेकिन खतरा तो नहीं कोई डॉक्टर साहब? बीमार के सामने ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद तो है ना आपको? उम्मीद तो हर कदम पर होनी चाहिए। शुक्र है भगवान, आंखें खोल रहा है मेरा बेटा। रतन, देख बेटा, बिल्लू, वकील साहब, तारा सभी यहाँ। देख बेटा। रतन, हाँ बेटा, हम सब आ गए हैं। जीवन, देख क्या रहा है? पैर छू रतन के। रतन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी बहन की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं न जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ जीता जी। मैं लता, लता, मुझसे बोलिए जीता जी, भगवान के लिए बोलिए, मुझसे बोलिए। ये बहुत बुरी बात है। अगर तुम लोग इसी तरह मरीज को घेर कर खड़े रहे तो मरीज अच्छा कैसे होगा? तुम लोग का हाल चले जाना चाहिए, प्लीज। डॉक्टर साहब, छुपाइए नहीं, साफ साफ कहिए, मेरे भैया को कोई खतरा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? 12 बजे तक मरीज की हालत देखनी चाहिए। अगर 12 बजे भी यही हालत रही तो फिर डर की कोई बात नहीं। अच्छा, मैं 12 बजे के बाद फिर आऊंगा। जी, मैं आपके पास हूँ। क्या सब आ गए? हाँ, सभी यही हैं, अंदर बैठे खाना खा रहे हैं। लता? लता भी आ गई है। अच्छा, अब मेरे दिल को शांति मिली। मैं डरता था मेरी ये मोतियों की माला कहीं बिखर न जाए। सब मेरे पास है। तब मेरा पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा हुआ। फूफी पढ़ा करती है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शांता, जरा राजन को तो बुलाओ। राजन? सिर्फ एक वही अभी तक नहीं आया, लेकिन आता ही होगा, चिंता मत कीजिए। तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की चिंता है? मेरा दिल कहता है राजन भी जरूर आएगा। मैं एक बार राजन और मंगला को खुशी खुशी साथ देखना चाहता।
अगर मेरे जीते जी ऐसा ना हुआ तो मेरे मरने के बाद ही सही। ऐसा ना कहिए, डॉक्टर साहब अभी गए हैं, उन्होंने कहा है कि अब खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर तो हमेशा तसल्लियां ही देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अब कितना वक्त बाकी है। रो क्यों रही? मैं तुम्हें अनाज छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं। डरो मत, तुम मिट्ठू की देखभाल करो, बड़ा होकर मिट्ठू तुम्हारी देखभाल करेगा। और फिर मेरे भाई जो तुम्हारे साथ हैं, शांता, वो सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। खड़ी फर के लिए उनमें से अगर कोई बदल भी जाए तो परवाह नहीं, अपना फिर भी अपना है। खून का खून पुकारता है। और शांता, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है, शायद वक्त इजाजत न दे, मेरे पास आओ। शायद कुछ लोग जल्दी मांगने के लिए तैयार ना हो, लेकिन ये काम तुम जरूर कर देना शांता। मैं क्यों, आप खुद ही अपने हाथों ही ये काम करेंगे। मैं ऐसा नजर नहीं आता शांता। कहिए, राजन को नहीं बुलाया? मैंने आपसे कहा तो था कि वो अभी नहीं आया। नहीं आया? कैसे नहीं आएगा, वो जरूर आएगा, वो मेरा राजू है, दौड़ा दौड़ा आएगा। राजू, राजू, राजू। से तंग आकर फौज में भर्ती हो गया, पूरी नहीं तो आधी दुनिया जरूर घूम कर आए हूँ। अच्छा? हाँ भैया, मगर ये तो बताओ ये धूमधाम कैसी है? अरे राजन, बिल्लू की शादी है ना। क्या, हमारे बिल्लू की शादी? हाँ हाँ। क्या वो इतना बड़ा हो गया? मैं भी बड़े अच्छे मौके पर आ गया हूँ। हाँ हाँ। फूफी, राजन, फूफी, राजन, राजन, बदले में छुप गए थे तुम। लता, लता, देखते ना राजन कब आया है। फिर बताऊंगा, तेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे खिलौने लाए हूँ। डैडी कहाँ है बेटा? क्या राजन आया है? हाँ भाभी, भाभी, मेरा भैया कहाँ? बोलो बोलो भाभी, कहाँ है मेरा भैया? मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा भगवान कहाँ है? भाभी, तो क्या वो भगवान हमारे घर संसार के मंदिर से रूठ कर चला गया? क्या मुझे उस देवता के दर्शन कभी नहीं होंगे जिसने अपने छोटे छोटे भाइयों को अपने औलाद की तरह पाला? क्या वो हाथ इस दुनिया से उठ गया जिसका हमारे सरों पर साया था?
भैया भैया राजन सब्र करो धीरज रखो। भाभी उनके बदले मुझे मौत क्यों नहीं? आखिर मेरी दुनिया में क्या जरूरत थी? भाभी भैया तो आखिरी दम तक यही सोचते होंगे कि मैं शराबी हूं निकम्मा हूं और नहीं जानती भाभी मैं अपनी काया बदल कर किस गुरूर से यहाँ आया था। रास्ते भर में खाद देखता रहा कि भैया मुझे बदला हुआ देखकर मुझे गले से लगाएंगे लेकिन भाभी भाभी वो तो नहीं राजन लेकिन उनकी आत्मा तुम्हें देखकर जरूर खुश हो रही होगी। लेकिन भाभी मैं तो अपने भाई को नहीं देख सकता। ये देखो भाभी मैं अपने भाई अपने भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए क्या क्या लाया। मुझे क्या पता था कि मेरी पूजा स्वीकार न होगी। पोंछ डालो आंसू राजन बिल्लू की शादी का दिन है। चलो मंगला तुम्हारा इंतजार कर रही है उसे स्वीकार कर लो। भाभी ये तुम्हारे भैया की अंतिम इच्छा थी राजन। भैया की इच्छा हो या तुम्हारा हुक्म मेरे लिए एक बराबर है। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं औरत को सिर्फ मर्द की दुश्मनी समझता था लेकिन जब मैं अपनी भाभी को देखता हूं तो मुझे दुनिया की हर औरत देवी नजर आती है। मंगला जी शांता बेटी वहां क्या कर रही हो? इन दोनों को आशीर्वाद दो। क्यों नहीं अपने पूरे हो गए। मंगला और राजन का मिलाप हो गया। लता भी बिल्लू की हो गई। आप कुछ दिन और रहते तो ये सब अपनी आंखों देखते। माँ बेटा माँ तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आप कभी नहीं रोओगे। हाँ बेटा मैं कभी नहीं रोऊंगी। जिस माँ का तुम जैसा लाल हो जिस भाभी के रमेश राजन और बिल्लू जैसे देवर हो भला वो क्यों रोने लगी।